वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत शानदार ये डिस्कशन रहने वाला है, टकटकी लगाकर एंड तक देखेगा, जिंदगी जीने में मजा आ जाएगा, इतना कुछ आप लोग सीखने वाले हैं और माइंड ब्लोइंग काफी सारी ऐसी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है जो कि कई बार आप लोगों ने सुनी भी होगी, याद नहीं होगी, तो उनका रिविजन भी होगा और नई नई बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। एक बच्चा बोला था कि सर ये जो डिस्कशन है इतना लंबा हो रहा है, इसका क्या किया जाए। देखो यार, डिस्कशन अगर आप लोग अच्छा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये करंट अफेयर नहीं है ओनली। अगर आप लोग बोलेगी सर करंट अफेयर को पढ़ा रहे हो, इतना बड़ा करंट अफेयर थोड़ी ना ओनली, आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा आप लोगों की हिस्ट्री भी कवर हो रही है, ज्योग्राफी कवर हो रही है, जहां पॉलिटी का नाम आ रहा है वहां पॉलिटी कवर हो रही है, तो आप लोग इसको ओनली करंट अफेयर नहीं बोल सकते। ये एक पूरा एक लेक्चर है जिसको आप लोग एक बैलेंस डाइट बोल सकते हैं। तो अच्छे से एंजॉय करना वीडियो को एंड तक, और पेन और कॉपी लेकर बैठना। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप लोगों को नोट डाउन करनी पड़ सकती हैं, जो आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है, तो उनको भी आप लोग थोड़े से ध्यान रखे चलेगा। और किसी भी एग्जाम की इंडिया के अंदर तैयारी कर रहे हैं, ये आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। और आप लोग जो भी पेपर देकर आते हैं, मुझे पेपर सेंड करते हैं, फिर आप लोगों ने देखा भी होगा कितने सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों के एग्जाम में बन जाते हैं। तो इसलिए हमेशा फोकस ये करो कि जो भी कवर किया जाए उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लो। लेक्चर खत्म होने के बाद में एक रिव्यू देने की कोशिश में भी करता हूं, पर नेक्स्ट डे का लेक्चर देखने से पहले एक बार पुराने डे का लेक्चर जो है हल्का सा रिवाइज कर लिया करो, तो लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओगे। अगर आप लोगों को लगे लेक्चर देखने के बाद में इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, और भी कई सारी चीजें शेयर की जाती है टेलीग्राम पर, 1,40,000 के करीब मेंबर यहां पर जुड़े हुए हैं, और आंसर राइटिंग ग्रुप में भी आप लोग जा सकते हैं यहां से, जहां पर आप लोगों को आंसर लिखना है, ठीक है। तो जो आंसर लिखना है, देखिए कल मैंने दो क्वेश्चन दिए थे, कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर दो क्वेश्चन क्यों दे दिए। आप लोग ऐसा नहीं है कि जितने क्वेश्चन देता हूं उतने ही लिखने जरूरी है, आप लोग अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे दो दे दिए तो आप लोग एक लिख लो, एक नेक्स्ट दे लिख लो, ऐसा तो फिक्स तो नहीं है, पर हाँ एक क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट जरूर करो। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं दे रहे, प्रीलिम्स दे रहे हो तो अभी फिलहाल रहने देना, आगे फिर आप लोग देख लेना, ठीक है। आइए स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ में, फिर आगे बढ़ेंगे। बात की जा रही है द पास्ट इज योर लेसन, द प्रेजेंट इज योर गिफ्ट, द फ्यूचर इज योर मोटिवेशन। जिंदगी में अगर सही टाइम पर सही तरीके से सही काम को करके निकल जाओगे ना, तो दुनिया आप लोगों को याद रखेगी। वरना मैक्सिमम लोग जो हैं, जब जी रहे होते हैं प्रेजेंट में, तो अपने साथ पास्ट के ऊपर रो रहे होते हैं या फ्यूचर को लेकर टेंशन में रहते हैं। आप लोगों को अपना 80% टाइम जो है वो आप लोगों को प्रेजेंट में देना चाहिए, मैक्सिमम 10% टाइम आप लोगों को पास्ट में देना चाहिए, वो भी इसलिए ताकि प्रायर टाइम में क्या गलतियां की हैं उनसे सीखकर आगे बढ़ सको, और ओनली 10% टाइम आप लोगों को फ्यूचर में देना चाहिए कि फ्यूचर की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। बाकी जीना 80% आप लोगों को प्रेजेंट में चाहिए, यही है जिंदगी जीने का तरीका। अगर आप लोग मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट में न देकर पास्ट और फ्यूचर में देंगे तो जिंदगी में कहीं नहीं जाने वाले हैं आप लोग, जहां वहीं पर ही रहेंगे, अभी हैं और आगे आने वाले 10-20 साल में भी वहीं पर ही रहेंगे, कोई जिंदगी में चेंज नहीं आने वाला है। तो रियलिटी में अगर जिंदगी में चेंज चाहते हैं तो इस पैटर्न को लेकर चलो, बल्कि मैं तो यह बोलूंगा अगर इसको चेंज कर 90 से आप लोग 5 पास्ट और 5 फ्यूचर में कर देंगे तो और ज्यादा एफिशिएंसी आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी। फ्यूचर की प्लानिंग कर लो 5% टाइम में, और 5% टाइम में आप लोग पास्ट से एनालिसिस कर लो कि क्या गलतियां की हैं, तो और प्रोडक्टिविटी आप लोगों को अपनी बढ़ती नजर आएगी। तो इस तरीके से जिंदगी को जीकर देखो, जिंदगी जीने में मजा आ जाएगा। वरना पुरानी चीजों में अगर बैठकर रोते रहोगे, यार पुराने टाइम पर तो कोई एग्जाम ही नहीं निकला, अब कैसे होगा, यार पुराने टाइम पर तो ये रिलेशनशिप नहीं चलते, आगे कैसे चलेगा, ऐसा थोड़ी ना यार, पुराने टाइम पर जो चीजें नहीं हुई आगे भी नहीं आप लोग कर पाओगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इन सब चीजों से, इन वीडियो से बाहर निकलो, और हर एक इंसान हर टाइम पर अपनी जिंदगी को चेंज करने का बूता रखता है, बस आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो जिंदगी में आप लोग किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, इसका यस और नो में आंसर दे सकते हैं आप लोग, अगर चाहे तो थोड़ा सा इसके लिए लिख भी सकते हैं। तालिबान के द्वारा बोला गया कि वर्ल्ड को हम लोग को एड्रेस करना है यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन के अंदर में, तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि यूएन के अंदर तालिबान को एड्रेस करने के लिए अलाउ करना चाहिए यस या फिर नो, तो आप लोग क्या यहां पर आंसर देंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर आप लोग इसको एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं तो आप लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे, तो देखता हूं कौन कौन क्या क्या आंसर देता है, बताएगा जरूर इसके बारे में, फिर मैं कल आप लोगों को इसके बारे में बताता हूं, ठीक है। आप लोग अटेम्प्ट कीजिए इसको, अभी यहां पर तालिबान चाह रहा है कि उसको वर्ल्ड जो है वो रिकॉग्नाइज करे, तो इसके क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं अगर इसको उस तरीके से आप लोग लेकर चलते हैं, तो कई सारी ऐसी बातें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे उनके आंसर मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा, कल जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, बाकी और भी काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। दो वीडियो अगर रेगुलर आप लोग अपने करंट अफेयर के पार्ट में इसको इंक्लूड कर लेते हैं तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। फिर से बोल रहा हूं, दोनों वीडियो बस करंट अफेयर के नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जहां लोकेशन की बात आती है वहां लोकेशन दिखाता हूं, जहां ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है वहां ऑर्गेनाइजेशन बताता हूं, जहां हिस्ट्री की बात आती है वहां हिस्ट्री बताता हूं। तो करंट अफेयर मत बोलिए इन वीडियो को, इसमें काफी कुछ देखने को मिलेगा। एक बच्चे के द्वारा बोला गया 2 घंटे करंट अफेयर पे देने हैं, बस सर करंट अफेयर कहां से है भाई मेरे, ये देखो तो सही एक बार वीडियो को। तो आइए आगे बढ़ते हैं, शानदार डिस्कशन रहने वाला है, अच्छे से देखेगा और कई सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और कई सारी बातें भी जानने को मिलेगी, तो काफी प्यारा ये डिस्कशन रहेगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों से,
अभी मैंने आप लोगों से यहां पर पूछा था एंग्लो इंडियन के बारे में, यानी लोकसभा के बारे में आप लोगों से पूछा था कितनी सीट है टोटल हमारी लोकसभा में। मैक्सिमम के द्वारा जो आंसर दिया गया नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा, उसमें दिया गया 545, जबकि आज की डेट में लोकसभा में 543 सीट है। आंसर मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट भी कर दिया था, आप लोगों ने इसको देखा होगा। और हाँ, जो भी आंसर आप लोग दिया करेंगे वीडियो अपलोड होने के जस्ट एक घंटा बाद में, वही आंसर मैं काउंट किया करूंगा, क्योंकि उसके बाद मैक्सिमम रिपीटेडली आप लोग एक दूसरे कॉपी करते हैं तो वो नहीं, पर हाँ अपना स्टार्टिंग में जो आंसर देना है। कई सारे बच्चों ने शानदार आंसर दिए, पढ़कर मजा आ गया, तो आप लोग भी इसी तरीके से पार्टिसिपेट कीजिए। छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा, जैसे आप लोग क्वेश्चन बन सकता है तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है एग्जाम में। टोटल मिलाकर अगर आप लोगों से कोई सीट पूछे आज के डेट में, तो आप लोग उसको 545 बिल्कुल मत लिखना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 545 जो सीट हुआ करती थी उस टाइम पर, इसमें दो सीट जो रहा करती थी, आप लोगों को याद होगा इसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए यहां पर वो सीट रहा करती थी, पर लेकिन रिसेंटली अभी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए वो सीट अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए अब वो सीट अवेलेबल नहीं है। हमारे संविधान में से उनको बेसिकली हटा दिया गया है, जो यहां पर ये जो बेसिकली रिजर्वेशन दिया जाता था कि दो सीट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए होनी चाहिए। एंग्लो इंडियन कौन सी कम्युनिटी हुआ करती थी? अगर कोई अंग्रेज जैसे कि हमारे कंट्री में 200 साल तक लगभग रूल करके गए, तो उसके साथ में बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में शादी की, बहुत सारे अंग्रेज ऐसे हुए जिन्होंने इंडियन के साथ में शादी की, तो उनकी जो जनरेशन चली हुई आ रही थी उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर में, तो इसलिए एंग्लो इंडियन के लिए दो सीट रख दी गई थी। पर लेकिन जब हम लोगों ने इसको देखा 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो ओनली टोटल मिलाकर लगभग 296 के करीब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थे यहां पर, तो 296 के लिए दो सीट देना कोई लाजमी बात नहीं है, तो इस तरीके से यहां पर ये बोला गया इसको हटा देना चाहिए। लो मिनिस्टर थे, जो लो मिनिस्टर थे उनके द्वारा ये बातें यहां पर बोली गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं बेसिक, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ध्यान से सुनना, इसीलिए बोलता हूं पेन और कॉपी लेकर बैठना, फिर मत बोलना कि सर ये क्या बता दिया तो पता नहीं था, ठीक है? तो नोट करते रहना जो जो चीजें पता नहीं है। बात करें अगर हमारी कंट्री में जब 1952 से लेके जब स्टार्टिंग में बातें बोली गई, यहां पर अगर आप लोग देखें आज तक 2020 तक, हमारी कंट्री में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए दो सीट यहां पर बेसिकली हुआ करती थी, पर लेकिन फिर ये बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हमारी कंट्री में क्या किया गया, एक 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, यानी कि संविधान में संशोधन करने के लिए 126वां ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और इसके चलते बेसिकली अमेंडमेंट एक्ट नहीं, सॉरी ये बिल था, ठीक है, 126वां बिल लाया गया, ठीक है, संशोधन करने के लिए। बिल की संख्या हमेशा बड़ी दिखेगी आप लोगों को, और जब ये एक्ट बन जाता है उसकी संख्या हमेशा छोटी दिखेगी, तो एक्ट बना था ये 104वां, ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बिल जो है वो ऐसे रहते हैं जो पास नहीं हो पाते हैं, ठीक है, जो कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए अमेंडमेंट बिल था 126वां और जो एक्ट बना वो था 104वां, ये इसमें चेंज किया गया, इंपॉर्टेंट बात है याद रखना 2019 में। तो ये चेंज करने के बाद में इनके द्वारा क्या बोला गया कि अब हमारी कंट्री में बेसिकली जो दो सीट हुआ करती थी रिजर्वेशन की वो अब नहीं देखने को मिलेगी। अगर मैं आप लोगों से एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लूं, आप लोग ये बताइए कि हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में ये बातें बोली गई थी कि एंग्लो इंडियन के लिए जो सीट है वो रिजर्व होनी चाहिए, तो याद रखिएगा आर्टिकल है 331, तो 331 यानी कि 331वां आर्टिकल यहां पर ये बोलता है कि सीट यहां पर अवेलेबल होनी चाहिए रिजर्वेशन के लिए, पर लेकिन उस टाइम पर ये बोला गया था ये जो रिजर्वेशन ओनली दिया जाएगा ये 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है, 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा, पर लेकिन क्या हुआ 10 साल के लिए रिजर्वेशन ये आगे बढ़ता बढ़ता चला गया, तो पहले यहां पर ये 1970 में बढ़ा, फिर 1980 में बढ़ा, फिर आगे चलकर यहां पर 2006 में, आगे चलकर 2010 में, ठीक है। तो इसके चलते आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आप लोगों से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है जो फिलहाल अभी ये लास्ट टाइम जो 10 सीट बढ़ाई गई, 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ाया गया, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, तो याद रखना ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था जिसके चलते यहां पर ये जो सीट थी ये बढ़ा दी गई थी, ये लगभग 2000 से लेकर यहां पर ये जो रिजर्वेशन था 2020 तक ये इंप्लीमेंट कर दिया गया था, ठीक है, यानी कि लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, बढ़ाते बढ़ाते आ रहे थे, तो 95वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, संविधान में संशोधन किया गया था, जिसमें 10 साल के लिए और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन हम लोगों ने बढ़ा दिया था, पर फिलहाल के टाइम पे क्या है अभी इसको हटा दिया गया, हटाया किससे गया, तो 104वां संविधान में संशोधन किया गया जिसके बेस पर इसको हटाया गया, और ये बिल था 126वां। अब हमारे संविधान में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन ऐसे नहीं देखने को मिलेगी, वो नॉर्मल वोट डाल सकती है जैसे नॉर्मल लोग डालते हैं, उसके लिए वहां पर नॉर्मल उनको जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से पूछा जा सकता है। अभी मैंने कल आप लोगों को डिटेल में सेंसस के बारे में बताया, तो अभी फिलहाल जब तक नया सेंसस नहीं आता है तब तक 2011 का ही सेंसस यानी कि जनगणना आप लोगों को यूज करनी है, और 2011 की जनगणना के हिसाब से ओनली 296 के करीब हमारी कंट्री में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को एक तरीके से कंफ्यूजन में डाल सकता था, तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को इसके बारे में बता दूं, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, अगर क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में तो इसके बारे में याद रखिएगा, किसी भी तरीके से किसी भी पॉइंट पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब बात करेंगे कौन कौन से आर्टिकल है, एक एक कर देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा होगा देखिए लेक्चर, फिर से मैं बोलता हूँ प्लीज पेशेंस बनाए रखना यार, क्योंकि मेरा मन ये कर रहा है थोड़ा सा इस तरीके से चीजों को लेकर चला जाए ताकि आप लोग के एग्जाम से पहले बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को रिवाइज कर डालूं ताकि आप लोग एग्जाम में बैठकर कंफर्टेबल फील करें, चाहे कोई भी एग्जाम अभी क्यों ना रहो। स्टेट पीसीएस के एग्जाम आ रहे हैं आप लोगों के, यूपीएससी का एग्जाम है, आगे चल के एपीएससी का एग्जाम आएगा, या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो हर तरीके से लेक्चर आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। अगर कहीं पर दिक्कत लगती है तो मुझे बताया करो, उसको मैं देखूंगा, ठीक है। जीएसटी के बारे में बात की जा रही है, अभी कई सारे रेट चेंज किए गए तो जानेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, समझेंगे इसके बारे में। अभी बात करें कोलिजन सिस्टम के बारे में तो काफी शानदार आर्टिकल यहां पर है, हालांकि आर्टिकल में इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन है जितनी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, मजा आ जाएगा लेक्चर को सुनकर। जो कहते राहुल गांधी जी, वाह मजा आ गया, ठीक है। तो ऐसा ही मजा मैं आप लोगों को देना चाहता हूं बेसिकली यहां पर, तो आप लोग इसको एंजॉय करिएगा, अच्छे से मजा लीजिएगा पूरा लेक्चर का, टकटकी लगाकर देखिएगा वीडियो को बिल्कुल एंड तक, और फीडबैक जरूर दिया करो यार। अगर आप लोगों को लगता है लेक्चर अच्छा है ना तो आप लोग वीडियो को लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हां सर लेक्चर ऐसा लगा, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। यहां पर जो बात की जा रही है स्टेट के अंदर जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है, तो नीट के एग्जाम को लेकर अभी काफी ज्यादा चीजें न्यूज में आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो हल्का सा नजर डालेंगे अभी यहां पर कनाडा के अंदर नए प्रेसिडेंट चुनकर आए त्रुदेव, तो याद रखिएगा इनका नाम जस्टिन त्रुदेव जो है फिर से यहां पर पार्लियामेंट में अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ में यहां पर अब फिलहाल जो है यहां पर ये प्राइम मिनिस्टर चुनकर आ गए हैं। तो हमारे लिए काम का नहीं है, हल्का सा आइडिया रखेगा यहां इलेक्शन में, बस इतना आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। इन्फ्लेशन के बारे में प्यारा आर्टिकल है, काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। हालांकि देखिए आर्टिकल में जो चीजें रहती है ना प्रेजेंट टाइम पे बताएंगे कहां पर रेट बढ़ रहा है कहां पर घट रहा है, पर एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछता है, आप लोगों से बैकग्राउंड में जाकर क्वेश्चन पूछेगा कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस आप लोग समझते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, बेस ईयर क्या क्या है इनको काउंट करने का, ठीक है, इस तरीके से पूछेगा। जो हमारा आज के डेट में बात करें अगर क्वेश्चन ही मैं आप लोगों से पूछूं, चलिए आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, फिर जब मैं डिस्कस करूंगा आर्टिकल को तो आप लोगों को बताऊंगा ही। आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि हमारी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो इन्फ्लेशन काउंट करती है कि 2 से लेकर 6 के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए, यानी कि 4 ± 2 इन्फ्लेशन होना चाहिए। आप लोग ये बताइए वो क्या काउंट करती है यहां पर, ठीक है। वो होलसेल प्राइस इंडेक्स काउंट करती है या फिर जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स काउंट करती है, ये बताइए आप लोग। इसी के साथ में जब आप लोगों को महंगाई भत्ता दिया जाता है वहां पर क्या काउंट किया जाता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों को नॉर्मली ये न्यूज़पेपर में ही दिखेंगे, आप लोगों को किताबों में जल्दी से नहीं, ठीक है। इसलिए यूपीएससी क्या करता है क्वेश्चन बनाता है कहां से, न्यूज़पेपर से उठा के, क्योंकि उसको पता है कि कोचिंग में बहुत सारी चीजें रटवा दी जाती हैं, न्यूज़पेपर से पेपर बनाओ ताकि बहुत सारी चीजें कवर ना हो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आईपीसीसी के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में और इसी के साथ में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो होने वाली है उसके बारे में बात की जा रही है, तो आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे, कुछ बातें आप लोगों को नहीं जानने को मिलेगी जिसके चलते आप लोग समझ सकते हैं। क्वाड के बारे में आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, और यह है डेटा पॉइंट यहां पर जिसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे, और वीडियो को एंड तक देखना, आप लोगों को काफी कुछ नया जानने को मिलेगा जिसमें हम लोग न्यूज एनालिसिस भी करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और इंपॉर्टेंट बात, कल आप लोगों का एक आर्टिकल रह गया था जो कि वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा आर्टिकल बच जाता है तो कंफ्यूज मत होना, उस आर्टिकल को आने वाले टाइम में मैं कवर कर लूंगा, टाइम बचेगा तो आज बता दूंगा, पर मुझे लगता नहीं है जितने आर्टिकल है आज उस साल से टाइम बचने वाला है, बाकी देख लेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत ले लीजिए, पीपीडी बनाकर मैं रख लेता हूं, संडे में कवर कर लेंगे, संडे में एडिटोरियल नहीं आते तो टेंशन ले रहे हो, ठीक है, वो टेंशन मेरी है, आप लोग टेंशन को पेंशन देकर पढ़ाई पर फोकस करो। पहले यहां पर थोड़ा सा डेटा पॉइंट के बारे में अभी आप लोगों को बता दूं, देखिए नॉर्मली यहां पर ये जो डेटा पॉइंट है ये बता रहा है कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करें फर्टिलिटी के बारे में, यानी कि बच्चा पैदा जो किया जाता था अलग अलग कम्युनिटी के द्वारा, तो मुस्लिम के बारे में बात करिए, चाहे हिंदू के बारे में, चाहे क्रिश्चियन के बारे में, चाहे बुद्धिस्ट के बारे में, चाहे सिख के बारे में, चाहे जैन के बारे में, तो जो भी मैक्सिमम कम्युनिटी है हमारी कंट्री में उनमें हर में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो फर्टिलिटी लेवल है वो ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यहां पर फर्टिलिटी लेवल जो है पहले के कंपेयर में कम हो रहा है, कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, यानी कि लोगों को समझ में आ रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने का कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम 2 बच्चे आप लोग पैदा कर लो ताकि आगे चलकर आप लोग उनको पढ़ा भी सको। आज की डेट में एजुकेशन समझ रहे हैं कितनी कॉस्टली हो रही है, तो ज्यादा बच्चे करने का कोई मतलब बन नहीं रहा है, तो इसलिए हर एक कम्युनिटी में यहां पर फर्टिलिटी लेवल जो है वो आप लोगों को गिरता हुआ नजर आएगा, ये चीजें यहां पर समझाई गई है। तो जो भी यहां पर ये बोल रहा है कि एक तरीके से कि मुस्लिम कम्युनिटी, ऐसे आर्टिकल था ना कि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत सारे बच्चे पैदा कर रही है, ठीक है, तो बच्चे पैदा हां मुस्लिम कम्युनिटी में हो रहे हैं, नो डाउट आज के डेट में भी ज्यादा है, पर लेकिन फर्टिलिटी रेट जो है इनका भी कम हुआ है। यहां पर अगर बात करें मुस्लिम कम्युनिटी का भी, पहले 4.4 हुआ करता था, अब 2.6 हो गया है। अगर बात करें हिंदूज के अंदर तो 3.3 हुआ करता था, अब घटकर 2.1 आ गया है, ठीक है। क्रिश्चियन के अंदर 2.9 था, यहां पर घटकर 2 आ गया है। इसी के साथ में एवरेज अगर देश का पूछ लिया जाए तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, देश का एवरेज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कितना, 1.7। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो टाइम टू टाइम यहां पर चीजें घटती हुई आ रही है, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर होना चाहिए, तो याद रखिएगा यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जैन कम्युनिटी के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को सबसे लो लेवल पर देखने को मिलेगा 1.2 फर्टिलिटी रेट यहां पर, तो इंपॉर्टेंट है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर आप लोग यहां पर समझना चाहते हैं, अगर आप लोग अपनी कंट्री को अगर इस तरीके से देखिए तो आज की डेट में पॉपुलेशन के बारे में तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आप लोगों को यहां पर
बेसिकली इन्हीं कम्युनिटी की देखने को मिलती है, जिसमें हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, सिख हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर टोटल बताया जा रहा है कहां कहां पर कितना डिक्रीज यहां पर निकलकर सामने आ रहा है, ठीक है, क्या क्या चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आप लोग कंफ्यूज मत होना, अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। अगर पिछले कुछ टाइम में सबसे ज्यादा बात करें पॉपुलेशन में ग्रोथ किसका हुआ है, तो यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये 76 के करीब चेंज यहां पर नजर आ रहा है। जबकि अगर मतलब आने वाले टाइम में बोला जा रहा है 76% आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा मुस्लिम पॉपुलेशन में 2050 तक का, हिंदू में 33%, क्रिश्चियन में यहां पर 18% के करीब, और यहां पर अदर में 5%। यानी कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में वो मुस्लिम कम्युनिटी ही बढ़ने वाली है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो मुस्लिम कम्युनिटी का ही आप लोगों को सबसे ज्यादा यहां पर नजर आता है। इसके पीछे कई सारी बातें बताई जाती हैं, जैसे कि आप लोगों को याद होगा एक रिपोर्ट हमारी कंट्री में आई थी जिसके बारे में कई बार पढ़ा चुका हूं, आप लोगों को बताना है उस रिपोर्ट का नाम क्या है। चलिए बताइए, देखता हूं किस किस को वो रिपोर्ट है, और कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है उस रिपोर्ट से, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी की जो हालत है उसके बारे में समझाने की कोशिश की गई थी। सबसे बड़ी बात उसमें जो बोली गई थी एजुकेशन सिस्टम को लेकर, आज की डेट में भी जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो लीडर है वो नहीं चाहते एक तरीके से कि मॉडर्न एजुकेशन को आगे लेकर आ जाए, वो चाहते हैं कि जैसा लेवल कम्युनिटी का है वैसा ही रहेगा। इसके हिसाब से क्या रहता है, पॉलिटिशियन चाहे किसी भी कम्युनिटी में हो वो हमेशा ये चाहते हैं कि कम्युनिटी आगे न बढ़े, क्यों, क्योंकि तभी उनको बेवकूफ बना पाएंगे। तो ये नॉर्मल पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, हालांकि फिलहाल आके अभी ये चीजें चेंज हो रही है। एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा रहेगा तो इंसान समझ पाएगा क्या सही है और क्या गलत है, तो उसके हिसाब से वोटिंग करेगा, तो कई सारी चीजें आप लोगों को चेंज नजर आएगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। कई बार रिलीजन जो है वो भी बार करता है कि जैसे कि मदरसा में पढ़ाना है, पर मदरसा तो आज की डेट में जो आज की डेट की एजुकेशन है उसके बारे में बात नहीं करता है। जो लेटेस्ट एजुकेशन बात करें, नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, ठीक है, तो अगर रिलीजियस जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो अगर इंप्रूवमेंट नहीं दिखाएंगे तो फिर एजुकेशन सिस्टम कम्युनिटी का बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। कई सारी कम्युनिटी में यह भी माना जाता है आज के डेट में कि पढ़ा लिखा अगर करना ही है, बच्चे पैदा जितने ज्यादा करोगे उतने ही ज्यादा हाथ होंगे घर में काम करने वाले और ज्यादा कमाई होगी, तो आज भी यही पैटर्न फॉलो करते हुए कई सारे लोग नजर आते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। तो ये तीन फैक्टर तो मैंने बता दिए, आप लोगों के माइंड में अगर एक दो फैक्टर और आ रहा हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में प्रोडक्टिव डिस्कशन कर सकते हैं आप लोग, ऐसा माहौल बना सकते हैं कि कोई आकर पढ़े भी कमेंट तो उसको लगे कि हाँ ये होता है पढ़ने वाला चैनल, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप लोग कर सकते हैं, पर लेकिन कई सारे जो बच्चे हैं वो एक दूसरे का आंसर नहीं देते हैं, कई सारे बच्चे अगर आंसर पूछते हैं तो उनको रिप्लाई भी कर दिया करो, इससे क्या रहेगा कई सारी चीजें आप लोग अच्छे से जान पाओगे, ओके। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं डिस्कस करने वाला हूं वो आप लोग के चक्षु खोलने वाला आर्टिकल होगा, बहुत ही प्यार से डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये आर्टिकल जो बात कर रहा है पूरा वो कोलिजियम सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, पर लेकिन जो बेसिक यहां पर बात की जा रही है, राइटर यहां पर बोलने की कोशिश ये कर रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम जो है वो यहां पर इस तरीके से है कि एक तरीके से ना तो इसके बारे में संविधान में मेंशन है, ना ही इसको पार्लियामेंट में कोई स्टैट्यूटरी स्टेटस देकर पास किया गया, पर फिर भी पूरी कंट्री में जुडिशरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है कोलिजियम सिस्टम। तो यहां पर अभी कई सारी अपॉइंटमेंट की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और कई सारी अपॉइंटमेंट की हाई कोर्ट में, ट्रांसफर भी आते हैं यहां पर, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कुछ बेसिक पॉइंट पहले आप लोगों को बता देता हूं ताकि माइंड में कंफ्यूजन आप लोगों को ना रहे। भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा क्या बोला गया था, अगर बात करें जब यहां पर बोला गया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को हम लोग को लेकर चलना है या फिर जुडिशरी को कैसे लेकर चलना है, तो यहां पर बोला गया था कि मिडिल कोर्स लेकर चलते हैं, मिड पाथ लेकर चलते हैं। तो इसलिए संविधान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में अगर बात करें, यहां पर अगर अपॉइंटमेंट करनी है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ये संविधान के बारे में बात करूं, याद रखना कोलिजियम सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने बोला था कि कंसल्ट किया जाएगा यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में, और इसी के साथ में अदर जज जो है जो फिट होंगे जो यहां पर उनको अगर अपॉइंट करना है, यानी कि किसी भी जज को अगर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में, तो उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अगर हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट करना है, तो अपॉइंटमेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में, गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ में, और चीफ जस्टिस ऑफ उस हाई कोर्ट के साथ में जिस हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट करना है तो इनके साथ में कंसल्ट किया जाएगा। ये हमारे संविधान की बातें मैं आप लोगों से कर रहा हूं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो एक तरीके से मे मूव जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में, पर लेकिन जब भी कोई प्रेसिडेंट शब्द यूज करता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट, क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो एक तरीके से एक रबर स्टैंप की तरीके से बोला जाता है, सारा काम प्रेसिडेंट के नाम पर कौन करती है, वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके चलते यहां पर ये माना जाता है कि अपॉइंटमेंट में इस आज की डेट में यहां पर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पोर्शन होना चाहिए अपॉइंटमेंट में, पर ऐसा नहीं है। तो इसके चलते कई सारी कंट्रोवर्सी यहां पर क्रिएट हो जाती है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से यहां पर बात करने वाला हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में हो सकता है पर कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, इस तरीके से डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है। अभी यहां पर बात करते हैं, अगर मैंने आप लोग कोलिजियम के बारे में बात की तो जब भी कोलिजियम के बारे में बात करेंगे तो कुछ पैटर्न आप लोगों को समझना पड़ेगा, कोलिजियम निकल के कहां से आया। खुद यहां पर राइटर भी इसके बारे में बात करते हैं, सेकंड जज का जब केस आया यहां से कोलिजियम के बारे में बात की गई, यानी कि इससे पहले हमारे संविधान में कोलिजियम नहीं था।
तो आज की डेट में दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर, आर्टिकल 124 बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में कैसे अपॉइंटमेंट करना है और आर्टिकल 217 हाई कोर्ट में कैसे अपॉइंटमेंट करना है जजेस की, ये बात करता है कोलेजियम सिस्टम। तो कोलेजियम सिस्टम यहां पर निकल कर आ रहा है और सारा दामोदार जो है वो कोलेजियम सिस्टम के हाथ में आ गया। आज की डेट में कोलेजियम सिस्टम जो है उसमें 5 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कौन कौन है 5 मेंबर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और प्लस 4 जज होते हैं। तो टोटल मिलाकर ये 5 डिसाइड करते हैं कि पूरा पैटर्न कैसे चलने वाला है। पर लेकिन यहां पर इससे पहले यहां पर ये चीजें नहीं थी। इससे पहले यहां था क्या था, फर्स्ट जज का जब केस आया तो प्रेसिडेंट यहां पर बेसिकली एडवाइस किया करते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस किया करते गवर्नर को कि इनको अपॉइंट करना है। पर लेकिन 1998 में इसको अपग्रेड कर दिया गया कोलेजियम सिस्टम को। पहले इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 जज थे, अब इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 जज हो गए, तो 5 मेंबर की बॉडी यहां पर कोलेजियम सिस्टम हो चुकी है। तो इंपॉर्टेंट बातें कुछ और मैं आप लोगों को बताता हूं जिसको लेकर आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तभी आप लोग माइंड को और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, अगर 1993 के बारे में बात करें तो सेकंड जज का केस आ गया, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया। तो सेकंड जज का केस आने के बाद में यहां पर ये बोला गया कि अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो यहां पर इसके चलते यहां पर क्या किया गया, बोला यह गया था कि यहां पर कि आगे कोलेजियम सिस्टम आ गया 4 जज पर, लेकिन गवर्नमेंट ने यह बोला था कि भाई साहब हमारा भी तो कुछ होना चाहिए, हम भी तो यहां पर उसमें पार्टिसिपेट करें। तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था 2015 में, जिसको बोला गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC। पर लेकिन NJAC को बर्खास्त कर दी यहां पर किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने ये बोला कि हमारी इंडिपेंडेंसी को हर्ट करने वाला है, यानी कि एक तरीके से हमारे बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, एक तरीके से सेपरेशन ऑफ काम करने का होना चाहिए, यानी कि जुडिशरी के अंदर एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर ना करे। अगर एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट में इंटरफेयर करने लग गई तो कल को चलकर यहां पर सारे वो जज बैठे होंगे जो कि गवर्नमेंट के एक तरीके से नुमाइंदे होंगे। तो इसलिए बोला कि इंडिपेंडेंसी को हर्ट करेगा, तो इसलिए यहां पर इसको बेसिकली बर्खास्त कर दिया गया। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिली। तो ये याद रखेगा 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप लोगों को यहां से देखने को मिला था। कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर हाई कोर्ट के बारे में बात करें, हाई कोर्ट जो है हमारी कंट्री में हाई, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर भी अपॉइंटमेंट करता है यहां पर ये, तो इसके चलते राइटर के द्वारा जिक्र किया गया कई सारे हाई कोर्ट में जो जजेस को अभी अपॉइंट किया गया है, तो वो जो जजेस हाई कोर्ट में अपॉइंट किया जा रहे हैं, अब यहां पर कोलेजियम सिस्टम में 5 मेंबर हो गए, अब ये किस पैटर्न पर यहां पर लोगों को चूज करते हैं उसके बारे में किसी को नहीं पता है। ये बिल्कुल वेग पैटर्न है, 5 मेंबर क्या डिस्कस करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे, पब्लिक में कुछ आता ही नहीं है। तो इस तरीके से जो अपॉइंटमेंट हो रहा है इसका क्या पता चल रहा है कि ये सही लोगों को अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो पब्लिक में तो कुछ निकल कर आता ही नहीं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क यहां पर लगाया जाता है। तो हाई कोर्ट जो है वो हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है इंडियन स्टेट के अंदर में, ये इंपॉर्टेंट बात है। और टोटल मिलाकर देश के अंदर 25 हाई कोर्ट आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट है जिस राज्य से आप लोग निकल कर आते हैं देखना उसमें हाई कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट नहीं है, अगर नहीं है तो देखेगा कि वो किस जुडिशन के अंदर में आता है, क्योंकि यूपीएससी में इंटरव्यू में या फिर स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू में जाकर बैठोगे तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है आप लोगों के स्टेट के बारे में, ठीक है। तो बात करेंगे अभी इसके बारे में, पहले आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है कि हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट इंडिया के अंदर जो होने चाहिए। आर्टिकल 217 ये बोलता है कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, अपॉइंटमेंट करना चाहिए जजेस हाई कोर्ट के अंदर में। आर्टिकल 141 ये बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऑल कोर्ट जो है वो एक तरीके से किसके अंदर काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करेंगे, यानी कि सारे कोर्ट रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी कि टॉप कोर्ट कौन होगा, टॉप कोर्ट होगा सुप्रीम कोर्ट। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 25 हाई कोर्ट है हमारी कंट्री में, इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, पर लेकिन टोटल मिलाकर हाई कोर्ट कितने हैं, 25 हाई कोर्ट है। तो इसलिए कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने पूरी लिस्ट आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करा दी है, जाकि आप लोगों के माइंड में ये क्लैरिटी रहे, ठीक है। अभी अगर बात करते हैं हमारी कंट्री में टोटल 25 हाई कोर्ट हो चुके हैं, अभी लेटेस्ट हाई कोर्ट अगर किसका बनाया गया अगर आप लोगों से पूछा जाए, तो इसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा निकाल के लाया गया है, तो इसके बारे में बताइए आप लोग, तो पता होगा सीधा सीधा, क्योंकि 2014 में क्या किया गया हमारी कंट्री में, राज्य को अलग किया गया जिसका नाम था तेलंगाना आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना हाई कोर्ट सबसे रिसेंट का हाई कोर्ट है, अभी 25वां हाई कोर्ट आया 2019 में हमारे देश में। तो याद रखिएगा तेलंगाना हाई कोर्ट जो कि जिसकी सीट आप लोगों को देखने को मिलेगी कहां पर, हैदराबाद के अंदर में, तो ये तेलंगाना हाई कोर्ट आप लोगों को देखने को मिला। इससे पहले हाई कोर्ट जो बनाया गया हमारी कंट्री में 24 हाई कोर्ट हो गए थे, तो वो हाई कोर्ट कहां से निकाल कर लेकर आए गए थे, तो याद रखना वो हाई कोर्ट आप लोगों को देखने को मिला, जैसे मणिपुर हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, मेघालय के अंदर आप लोगों को देखने को मिला था। तो टोटल मिलाकर 25 हाई कोर्ट हमारी कंट्री में इस तरीके से देखने को मिले थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए यहां पर, बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हमारी कंट्री में कितनी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास में खुद का हाई कोर्ट है। तो पहले हमारी कंट्री में ओनली सिंगल यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी जिसका खुद का हाई कोर्ट था, और वो थी दिल्ली। अब हमारी कंट्री में 2 यूनियन टेरिटरी हो गई जिसका हाई कोर्ट है खुद का, जब से जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा अब यहां पर, जो यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का खुद का हाई कोर्ट है, तो 2 यूनियन टेरिटरी हो गई है जिसका
किसका खुद का हाई कोर्ट है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से सबसे टॉप पर कौन सा रहता है, ये सुप्रीम कोर्ट रहता है, फिर हाई कोर्ट रहता है, फिर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट हो जाते हैं, यहां पर सिविल और मेट्रोपॉलिटन आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है अगर ट्रिब्यूनल के बारे में, तो ट्रिब्यूनल भी यहां पर एक पार्ट बन चुका है। अब यहां पर अगर जुडिशरी सिस्टम के अंदर आप लोग जाएंगे तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, जिसमें ट्रिब्यूनल को ऐड किया गया हमारे संविधान के अंदर में कि हां इस तरीके का भी कोई कोर्ट होना चाहिए जो कि मैटर को सुन सके। तो ये भी जुडिशरी सिस्टम का पार्ट बन चुका है। अब दो तरीके के ट्रिब्यूनल होते हैं यहां पर, ठीक है, एक बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को देखता है और दूसरा दूसरे अदर मैटर को देखता है। तो दोनों आर्टिकल मैंने अभी डिटेल में डिस्कस किए थे कुछ दिनों पहले, बताइएगा, फिर आंसर में आप लोगों को बता दूंगा, टेंशन मत ले कीजिए, आंसर में टेलीग्राम पर पोस्ट कर देता हूं सारे, ठीक है, तो आप लोग उसको देख लिया कीजिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में ना रहे जो भी क्वेश्चन में पूछता हूं आप लोगों से, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर, अगर 143 के बारे में आप लोगों से बात करूं तो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है कंसल्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ में, तो आर्टिकल 143 मैंने बताया था, याद रख लेना, जैसे नॉर्मली आई लव यू बोलते हैं ना, तो इसमें आई हो गया, लव में चार वर्ड हो गए और यू में तीन हो गए, तो 143 यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को आई लव यू बोलते हैं कि आई लव यू यार बता दे, जिंदगी में टेंशन चल रही है कैसे दूर करनी है। सुप्रीम कोर्ट करता है हम ही हम हैं तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, दोनों मिलकर काम करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है, पर लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो माने या ना माने, बाउंड नहीं रहेगा सलाह में, इंपॉर्टेंट है याद रखना। आर्टिकल 141 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास में एप्लीकेबल है ऑल द हाई कोर्ट जो भी कंट्री के अंदर में होगा। 139 बोलता है कि पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू द रिट्स, तो रिट्स जो होती है यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट की इसके अंदर देखने को मिलेगी आर्टिकल 139 के तहत। ओके, छोटा सा एक पोर्शन में आप लोगों को यहाँ पर हिस्ट्री का बताना चाहूंगा जहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी बन सकता है। हमारी कंट्री में अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, याद होगा आप लोगों को, रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का। तो जो 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट हमारी कंट्री में लेकर आया गया था, तो इसमें बेसिकली इस टाइम पर हमारी कंट्री में फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिले थे, ठीक है। तो यहां पर कुछ बातें और करूंगा, पहले समझिए कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता के अंदर में, ठीक है, तो इसको कोलकाता बोलते थे यहां पर उस टाइम पर, ठीक है, आज के में इसका नाम चेंज हो गया, सी से कोलकाता बोलते थे। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे उसके अंदर और तीन जज हुआ करते थे, यानी कि चार मेंबर की बॉडी यहां पर बनाई गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से 1773 के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट है अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करूं तो ये पहला ऐसा सिस्टम था जो कि ब्रिटेन के द्वारा यहां पर लाया गया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया जा सके, इसीलिए इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट रखा था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी कर रही थी तो रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि रेगुलेट किया जा सके। तो एक तरीके से पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कैसे होने चाहिए, यानी कि देश के अंदर क्या क्या ये पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली कंपनी क्या करे, ये डिसाइड किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। गवर्नर जनरल जो था, जो गवर्नर जनरल बंगाल का था उसको गवर्नर गवर्नर था जो बंगाल का, याद रखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, उसको गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल का, यानी कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल का। और दो जो और थी यहां पर बेसिकली जो दो टेरिटरी थी, एक थी बॉम्बे और दूसरी थी मद्रास, उनको बेसिकली जो उनके गवर्नर हुआ करते थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे ला दिया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि बंगाल जो है वो उबर कर सबसे ऊपर यहां पर निकल कर आ रहा था इस टाइम पर, बाकी जो बॉम्बे और मद्रास को था वो भी गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था उसके नीचे उनको ला दिया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग यहां पर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन किसके बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 का था हमारे देश में लाया गया, हिस्ट्री का पोर्शन है, पर लेकिन ये जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैंने आप लोगों को पढ़ा भी रखा है एक बच्चे के द्वारा यार शानदार, कल जो है बैठकर 30 लेक्चर पॉलिटी के निपटा दिए गए समझ लो 30 लेक्चर। तो जिस किसी ने पॉलिटी नहीं देखी है पॉलिटी देख लिया करो, और जब भी पॉलिटी देखा करो उसके नीचे डन लिख दिया करो ताकि मुझे पता चलता रहे कौन कौन यहां पर लिख रहा है। तो उसने बोला सर शाम तक 30 लेक्चर निपटाए, एक बंदे के द्वारा सारे लेक्चर जो है लगभग यहां पर मुझे लग रहा है सर 8 या 9 दिन के अंदर निपटाए गए। उसने मुझे मेल भी किया था, रिप्लाई तो मैं नहीं कर पाया डियर, पर लेकिन उसने मुझे लिखा सर मजा आ गया, मुझे यकीन नहीं होता मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं। तो जब आप लोग ठान कर बैठते हो ना तो फिर यार कर देते हो काम को। तो इस तरीके से लेकर चलो, रिविजन पर ताबड़तोड़ तरीके से लग जाओ, दिन बहुत कम बचे हैं आप लोगों के पास में, तो अच्छे से रिवाइज करोगे चीजों को तो लंबे समय तक चीजें याद रख पाओगे। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों से कोई यहां पर ये भी पूछ ले, स्टार्टिंग में जब आजादी के बाद में हमारी कंट्री में जब जुडिशरी बनाएगी उसके अंदर कितने यहां पर बेसिकली जज हुआ करते थे, तो याद रखना टोटल मिलाकर 8 जज हुआ करते थे, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड थे। पर लेकिन आज की डेट में कितने, 2019 में लास्ट चेंज यहां पर किया गया, और 2019 में जो चेंज किया गया अब हमारी कंट्री में 34 जज हो चुके हैं, जिसमें से 33 आप लोगों नॉर्मल जज और एक हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा आज की डेट में कहां पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को इसको कर भी नहीं होना है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर, तो याद रखिएगा आर्टिकल 124 के बारे में बात की जाती है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 65 ईयर मैक्सिमम उसकी एज होनी चाहिए, ठीक है, 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट के अंदर में, और इसी के साथ में एडवोकेट रहे 10 साल का। तो इसलिए कई सारे वकील जो रहते हैं वो चिंतित रहते हैं, उनको बेसिकली प्रमोशन नहीं मिलता है हाई कोर्ट के अंदर या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम जो कोलिजन सिस्टम है वो ये इसीलिए यहां पर आरोप लगाते हैं। ये जो आर्टिकल भी लिखा गया ये भी एक एडवोकेट के द्वारा ही लिखा गया, उनको ये रहता है कि इसके अंदर पता नहीं आता है कैसे कैसे अपॉइंटमेंट करते हैं, तो ये चीज आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में जिनको लगेगी ये पर्सन सही है, हालांकि ये आप बोलने वाली बात होगी क्योंकि बिना कोलिजियम के प्रेसिडेंट जो है वो काम कर ही नहीं पाएंगे, तो ये क्राइटेरिया आप लोगों को यहां पर इनका देखने को मिलता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में याद रखिएगा। पर लेकिन अगर यहां पर हम लोग बात करें रिमूवल के बारे में, तो आर्टिकल 124 यहां पर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, अगर हटाना है तो इंपीचमेंट वर्ड नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट के द्वारा यूज किया जाता है हटाने के लिए, पर लेकिन फिर भी यहां पर वही पैटर्न फॉलो करते हैं, 2/3 जो ईच और हाउस में मेजोरिटी होनी चाहिए, अगर कोई ऐसा आगे लेकर चलना है सिस्टम आप लोग को तो 50 जज होने चाहिए राज्यसभा में इसको बोले कि हाँ इनको हटाना है, और यहां पर लोकसभा में होने चाहिए 100 जज जो इसको बोले कि हटाना है, और फिर यहां पर जज इंक्वायरी एक्ट 1968 यानी कि 1968 का चलता है जिसके बेस पर हम लोग हटा देते हैं बेसिकली किसी भी जज को यहां से, तो ये पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है किसी भी चीज को लेकर इस तरीके से। तो राइटर का यही मानना है कि कैसे अपॉइंटमेंट कर रहे हो, कैसे हटा रहे हो, क्या क्या चीजें चल रही है, हमारी समझ में तो आ नहीं रहा भाई साहब कैसे काम कर रहे हो, तो इसलिए जरूरी है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चलना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहां पर एक पूछना चाहूंगा, जो कि मैंने आप लोगों को अलग से लेक्चर भी बना रखा है पॉलिटी के अंदर में, आप लोगों को यह बताना है कि जैसे कि खुद का हाईकोर्ट हो गया, यूनियन टेरिटरी का, कौन सी का, दिल्ली का, जम्मू एंड कश्मीर का, खुद का हो गया, अब जो बची कुछ यूनियन टेरिटरी बच गई उनके हाईकोर्ट आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेंगे आप लोगों को ये बताना है, या फिर जो बचे कुछ स्टेट बच गए, क्योंकि मैंने तो बताया वो लोग 25 ओनली हाई कोर्ट है, तो बचे कुछ जो बच गए हैं अब उनके बारे में बताइए उनके हाई कोर्ट कहां पर है, आंसर डिस्कस कर दूंगा लेक्चर के अंदर ही अगर बोलोगे, वरना तो टेलीग्राम पर तो मैं पोस्ट कर ही दूंगा, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये कई बार पास्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल मैंने आप लोगों को हर तरीके से समझा दिया, अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कम से कम डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर, इसके अंदर कम से कम 2 या 3 आर्टिकल मैंने कवर कर दिए क्योंकि ये ओनली कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करता, पर लेकिन मैंने आप लोगों को हिस्ट्री भी समझा दी यहां पर, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट भी बता दिया, तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो निकल कर आ रहा है यहाँ पर, ये क्वाड के बारे में निकल कर आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अगर लिखने के लिए भी कई बार कुछ आ जाए तो आप लोगों को कंफ्यूजन उसके बारे में नहीं होना चाहिए। क्वाड में टोटल 4 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक तो हो गया अपनी प्यारी कंट्री, दूसरा हो गया यहाँ पर जापान, तीसरा हो गया यहाँ पर यूएसए और चौथा हो गया यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर ये टोटल आप लोगों को क्वाड के अंदर मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात कर लूँ क्वाड के बारे में, तो इसके बारे में एक सेकेंड, अच्छा यहां से देखो, ठीक है, तो क्वार को बेसिकली कहां से लाया गया, कैसे कैसे आगे बढ़ा, ये हिस्ट्री आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। तो याद रखना क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोला करते थे, यानी कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया था कि सिक्योरिटी को लेकर चलना है, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में, ठीक है। जब शब्द यूज कहता है इंडो पैसिफिक रीजन, तो इसका क्या मतलब होता है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बारे में बात की जाती है, इसमें टोटल मिलाकर जो भी कंट्री है उनको कैसे सिक्योर करना है, और क्यों यहां पर इस रीजन के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि साउथ चाइना सी में आप लोगों को चाइना का दबदबा देखने को मिलेगा, दादागिरी चलाता है, तो कई बार तो ये बोला जाता है कि ये इसको रोकने के लिए यहां पर बनाया गया है, ये बोला जाता है। सबसे पहले इसके बारे में बात किसने की, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले इसके बारे में बात की थी, जापान, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पर हुआ करते थे शिंजो एबे, उनके द्वारा 2007 में बोला गया था कि यार क्वाड जैसा कोई ग्रुप आप लोगों को बनाना चाहिए, पहली बार इनके द्वारा यहां पर इसको बोला गया, पर लेकिन ये उस टाइम पर नहीं बना पाए, क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपना हाथ खींच लिया, क्योंकि चाइना ने उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाला और चाइना के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट था ऑस्ट्रेलिया, तो इसलिए यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट नहीं बन पाया था, इसीलिए इंडिया को भी गुस्सा आया था और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मालाबार एक्साइज जो होती है इंडिया और यूएसए के बीच में, जिसमें जापान भी परमानेंट मेंबर बन चुके हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया को परमानेंट मेंबर बनाने से मना कर दिया कि कल को फिर ये तो भाग लेगा अगर कोई इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, यानी कि अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो ही नहीं कर रहे तो क्यों हम लोग इसको इसके अंदर निकाल कर लेकर आए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, अगर बात करें यहां पर शिंजो एबे के बारे में, उनके द्वारा फिर आगे 2012 में ये सिस्टम आगे लाएगा और बोला गया कि डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड हम लोग बना सकते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए मिलकर। तो फिर से यहां पर सिस्टम आगे चला और आगे चलते चलते ये 2007 से लेकर 2017 में ये जामा बेसिकली पहना दिया गया क्वाड का, और क्वाड यहां पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आ गई जो कि चाइना को टैकल करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में काम करने लगी। तो यही क्वाड फिलहाल अभी यहां पर काम कर रही है, इसी क्वाड की मीटिंग हो रही है जिसके बारे में बात करेंगे। तो 4 कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए, इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली इसकी आप लोगों को सबमिट देखने को मिली फिजिकल फॉर्म में, यहां पर क्वाड के जो मेंबर
मेंबर है वो मिले। अभी यहां पर इसकी स्ट्रेंथन अभी इसको किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। पहले सिक्योरिटी डायलॉग बोला जा रहा था ओनली, अब यहां पर ये इकोनॉमी के फील्ड में भी काम करने लगे हैं। यानी कि आज की डेट में कोविड 19 को कैसे टैकल करना है, साइबर स्पेस में कैसे हम लोग को टैकल करना है चीजें, टिकल को चलकर साइबर अटैक हो रहे हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कैसे लेकर चलनी है, और इसी के साथ में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं। तो यानी कि अब क्वाड जो है वो सिक्योरिटी डायलॉग नहीं रहा है, अब एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जो कि एक पूरा परमानेंट एक नहीं ग्रुप की तरीके से काम करने लगा है। तो वैक्सीन, क्रिटिकल इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, इन मुद्दों के बारे में यहां पर जो है काम करता हुआ आज के में नजर आ रहा है। अब अगर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर इंडिया के बारे में, अपनी प्यारी कंट्री के बारे में, तो क्वाड जो है यहां पर ये बेसिकली बात करता है कि 108 बिलियन आज की डेट में यहां पर क्वाड की कंट्री के साथ में हमारा बिजनेस होता है। ये हमारी कंट्री का जो टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस होता है उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों को मिलाकर उसका 16% आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आने वाले टाइम में हम लोग इसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बीच में हम लोग मिलकर काम करना स्टार्ट कर दें। बाकी जो भी एक दूसरे के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं, कई सारे बैरियर लगा रखे हैं, ब्लॉकेड लगा रखें, वो हम लोग को हटाना पड़ेगा। अगर हम लोग बैरियर हटाएंगे, इनके ब्लॉकेड हटाएंगे, इनके एक दूसरे के साथ व्यापार करना आसान करेंगे, तभी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। तो इसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ढांचागत विकास करना चाहिए मिलकर, तब चीजें आगे बढ़ेंगी। और क्लाइमेट चेंज के बारे में भी यहां पर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में पूछा जा चुका है, याद रखना, यह सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव, जिसको SCRI भी बोला जाएगा आगे आर्टिकल में चलकर, इसके बारे में रिसेंटली अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव किसका है, यहां पर क्वाड मेंबर का ही है, पर लेकिन इसमें USA नहीं है, याद रखना। ये बेसिकली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के द्वारा मिलकर बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, USA इसका पार्ट नहीं है। इनके द्वारा क्यों बना गया, इनके द्वारा ये बोला गया कि कोविड 19 में चलते हुए जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी थी उसके चलते काफी सारी दिक्कत हो गई, क्योंकि अगर बात करें चाइना से काफी सारा रॉ मटेरियल लाया जाता था दवाई बनाने के लिए, चाइना के अंदर कई सारी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग हब था, क्योंकि वहां पर स्टेट जो है वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती थी। पर लेकिन कोविड 19 ने सबकी खस्ता हालत कर दी, इसी के देखते हुए बोला गया कि चाइना का अल्टरनेटिव हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान आपस में मिलकर आ गए कि हां हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम रखा गया सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव यहां पर ये निकाल कर लेकर आए। वैक्सीन कोऑपरेशन के बारे में यहां पर बेसिकली बात की गई कि हम लोग कोऑपरेट करेंगे। इसी के साथ में बोला गया कि लाइक माइंडेड कंट्री है, सब एक जैसा सोचने वाले हो तो क्यों ना मिलकर काम किया जाए। तो इसके चलते यहां पर ये सिस्टम को आगे लेकर चला गया। तो क्वाड जो है आज की डेट में जो काम कर रहे हैं उसमें अलग अलग एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ से, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके से बिजनेस को स्टडी के पॉइंट ऑफ से मिक्स करके हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि फोरम जो है आगे चलकर और भी इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी एंगेजमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक काफी प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं आने वाले टाइम में। तो क्वाड को लेकर कंफ्यूज मत होना, कौन कौन मेंबर है और क्या क्या चीजें यहां पर चल रही हैं, इसके बारे में ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने आप लोगों को नैनो के अंदर भी बताया था, यानी कि नैनो मैगजीन के अंदर, जो कि डेली शाम को 9 बजे आती है, और इसी के साथ में मैंने इसमें बताया था जो अभी रिसेंटली मालाबार एक्साइज हुई है क्वाड मेंबर के बीच में, वो कहां पर हुई है ये आप लोगों को बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। बताइए इसका रिविजन की वजह से क्वेश्चन पूछता रहूंगा आप लोगों से, ताकि आप लोग रिविजन करते रहे, क्योंकि रिविजन नहीं करेंगे तो आप लोग चीजें याद नहीं रख पाएंगे। तो जितना ज्यादा हो सकेगा उतना रिविजन मैं आप लोगों को कराता रहूंगा, पर लेकिन थोड़ा सा पार्टिसिपेट आप लोग भी कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग आंसर नहीं देंगे तो फिर ऐसे रिवीजन का क्या फायदा। तो आंसर आप लोग को जरूर देना है, ठीक है, तो ये काम आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्फ्लेशन के बारे में बात करने वाला हूं नेक्स्ट आर्टिकल में। इन्फ्लेशन को अगर हिंदी में आप लोग बोले तो महंगाई बोल सकते हैं। इन्फ्लेशन को किस तरीके से आप लोग नाप सकते हैं, अगर नापने की बात करूं, अगर आप लोग का पैसा जो है वो पैसा जितना ऑलरेडी है, पहले जितना पैसा हुआ करता था, मतलब आज के डेट में आप लोग के पास में मान लीजिए 10 रुपए हैं, ठीक है, और कोई आप लोग का जो चाय आप लोग खरीदने हैं, चाय का कप, तो पहला 10 रुपए में एक चाय आप लोग पी लेते थे, पर लेकिन फिलहाल चाय की जो वैल्यू है वो 15 रुपए हो गई है एक कप की, पर लेकिन आपके पास में 10 रुपए हैं। इसका मतलब यह कि आप लोग के पैसे की वैल्यू जो है वो डाउन हो गई है, अब इसी 10 रुपए में आप लोग एक चाय का कप नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू 15 हो गई है। तो इसका मतलब यह कि इन्फ्लेशन आ गया है यहां पर, बेसिकली जो चाय की वैल्यू बढ़ गई है तो इन्फ्लेशन आ गया है। अब ये जो इन्फ्लेशन आता है, जिसको मैंने इन्फ्लेशन बोला, ये यहां पर किस रीजन की वजह से आता है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि रीजन क्या है इन्फ्लेशन के बेसिकली। तो इसके पीछे कई सारे रीजन नॉर्मली दिए जाते हैं, पर इंपॉर्टेंट रीजन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि मार्केट में चाय पीने वालों की संख्या बढ़ गई है, तो इसका मतलब यह कि चाय की मार्केट में डिमांड बढ़ गई है। अब यहां पर वही चाय जो 10 की आगे करती थी वो 15 की होने लगी है, 5 रुपए महंगी यहां पर हो गई है। दूसरा होता है कॉस्ट पुट इन्फ्लेशन, यानी कि चाय को बनाने वाली जो चाय की पत्ती होती है, जो दूध होता है, उसका प्राइस यहां पर बढ़ गया, इसलिए चाय का प्राइस यहां पर बढ़ गया है। तो कॉस्ट की वजह से, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल जो यूज किया जा रहा है उनका प्राइस अगर बढ़ गया, तो उसकी वजह से, कॉस्ट की वजह से उसका इन्फ्लेशन बढ़ गया, ये इसलिए बढ़ गया। आप लोगों के पास में पैसे ज्यादा आ चुके हैं आज के डेट में, सैलरी अच्छी खासी बढ़ चुकी है, आप लोगों ने बोला कि पहले तो हम लोग नॉर्मल चाय पी लेते थे, अब बोला कि भैया दूध दूध की बनाना, वही पत्ती लगाकर, ठीक है, वही वाली चाय पीनी है बस।
तो दूध दूध की लगाना पत्ती लगाकर, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों के पास में पैसे बढ़ गए तो अब आप लोग अच्छी चाय पी सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी वजह से भी जब लोगों की सैलरी बढ़ती है तो भी यहां पर इस तरह की कंडीशन बन जाती है कि वो अलग अलग प्रोडक्ट खरीदने मार्केट में निकालते हैं। कोई टीवी खरीदेगा, कोई बाइक खरीदेगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, तो इसका मतलब उन प्रोडक्ट की मार्केट में रिक्वायरमेंट बढ़ गई, यानी कि डिमांड बढ़ गई और सप्लाई उतनी ही है जितनी पहले थी। तो इसका मतलब यह कि अब उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन और बिल्ट इन इन्फ्लेशन, ये यहां पर बेसिकली आप लोगों को कोज रहेंगे महंगाई को बढ़ाने के। तो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग जरूर याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर मैं आप लोगों से करने वाला हूं बेसिक, जो कि क्वेश्चन बन सकता है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि इन्फ्लेशन बढ़ता किसकी वजह से है, तो वो बता दिया किन किन तीन रीजन की वजह से, पर लेकिन ये इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, इसको काउंट कैसे करते हैं, नापते कैसे हैं, इन्फ्लेशन को नापने का इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो पहले को बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको WPI बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको CPI आप लोग बोलते हैं। ये यहां पर चेक करते हैं इन्फ्लेशन को काउंट करने का तरीका, और अगर बहुत ही डिटेल में आप लोगों को देखना है तो बड़ी ही एक प्यारी सी वीडियो बना चुकी है, यहां पर लाखों लोग इस वीडियो का फायदा उठा चुके हैं, आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। WPI और CPI में डिफरेंस क्या होता है टोटल डिटेल में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया मैंने पिक्चर के साथ साथ में, ठीक है। तो ये एक वीडियो आप लोगों को मैं रिकमेंड जरूर करूंगा, जिस किसी ने नहीं देखी है, जिस किसी ने देखी है तो वो टाइम वेस्ट मत करना, जिस किसी ने नहीं देखी है वो जाकर देख लेना, सर्च कर लेना WPI एंड CPI बाय वीर, तो ये वीडियो खुलकर आप लोगों के सामने आ जाएंगी। बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। WPI जो है बेसिकली यहां पर अगर बात करें, ये मेजर करता है क्या-क्या चेंज हो रहा है प्राइस में, गुड्स जो भी सोल्ड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली बात करता है यहां पर जो पर्टिकुलर बेचने वाला है उसके पॉइंट पर यहां पर देखता है कि क्या महंगाई है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो अगले वाला है यहां पर ये क्या करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये कंज्यूमर पर चेक करता है कि कंज्यूमर को किस लेवल पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसके बारे में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो बेसिकली यहां पर पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। अगर इसके बारे में आप लोग बात करेंगे तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये जो रिलीज किया जाता है ये नेशनल स्टेटिकल ऑफिस यानी कि NSO के द्वारा यहां पर रिलीज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग याद रखना। अगर बात करूंगा NSO के बारे में थोड़ी सी आप लोग कंफ्यूज मत होना, उसको भी समझाऊंगा। मोस्ट वाइडली यूज इन्फ्लेशन इंडिकेटर था अब तक इंडिया के अंदर में, पर लेकिन फिलहाल अभी चेंज कर दी गई है कई सारी चीजें। मेजर क्रिटिसिज्म इसका ये होता है क्योंकि यहां पर जो जनरल पब्लिक है, ठीक है, उसके हिसाब से नहीं, ये होलसेल पर काउंट करता है, यानी कि पर्टिकुलर एक पॉइंट पर नहीं, ये होलसेल कितना प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उसके ऊपर काम करता है। यानी कि जैसा मैंने आप लोगों को इस पिक्चर में बताया, यहां पर WPI किसके बीच में होगा, कोई कंपनी है और उसके चलते होलसेल दुकान वाले लेकर आ रहे हैं, तो उसके बीच में कितनी महंगाई हो रही है। जबकि WPI क्या करता है कि यहां से जब आप लोग चलेंगे आगे इन दुकान पर प्रोडक्ट आ गया फिर कस्टमर को कितना महंगा हो रहा है, तो ये कंज्यूमर बेस पर चेक कर रहा है WPI। तो इसलिए WPI को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू होलसेल प्राइस इंडेक्स के कंपेयर में, तो इसलिए यहां पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। पहले जो बेस ईयर था इसका चेक करने का 2004-05 था, फिर इसका 2011-12 कर दिया, और अब यहां 2011-12 कर दिया 2017 में, तो फिलहाल बेस जो आप लोगों को इसका यहां पर ये देखने को मिलेगा जिसके बेस पर ये इंडेक्स चेक करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है, कि इसके बारे में बताइए। ये चीजें आर्टिकल में मत ढूंढना, आर्टिकल में नहीं मिलेगी, इसलिए बोल रहा हूं ये बेसिक इकोनॉमी स्टार्ट हो चुकी है अब आप लोगों की, ठीक है, ये बैंकिंग सिस्टम में आप लोग क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इसलिए कहता हूं करंट अफेयर नहीं है भाई साहब लेक्चर, जो करंट अफेयर बोल बोलकर चिल्लाते रहते हैं सर 2 घंटे करंट अफेयर पढ़े, करंट अफेयर है क्या ये करंट अफेयर नहीं है, स्टैटिक पोर्शन है, तो इसलिए रिविजन भी आप लोगों को हो जाता है, तो अच्छे से लेक्चर को एंजॉय किया करो एंड तक। अब बात कर लेता हूं यहां पर बेसिकली CPI के बारे में, इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चेक करता है फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, ये जो कंज्यूमर लेवल यानी कि जो आप लोग खरीद कर लेकर आता है ना, तो आप लोगों को कितना महंगा पड़ रहा है इसके बेस पर चेक करते हैं। तो इसको जो डिवाइड किया गया 4 कैटेगरी में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर के लिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबर के लिए, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन और कंबाइन। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो 3 है यहां पर वो तो लेबर मिनिस्ट्री के बेसिकली रहते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट 3 है यहां पर कंपाइल किया जाता है लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा, यहां पर आप लोगों को देखने को मिला लेबर ब्यूरो के द्वारा, जो कि लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। जो 4th है यहां पर, ठीक है, जो कि यहां पर कंबाइन के बारे में बात करते हैं, ये NSO के द्वारा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अब आप लोग बताइए कहां-कहां से क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो अगर इस लेवल पर आकर तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप लोग हर एक एग्जाम को आप लोगों ने वो नहीं कहते कि धोबी पछाड़ मारते हुए नजर आएंगे, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब बेस ईयर यहां पर कर दिया इसका 2012, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो होती है वो यहां पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही चेक करती है, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स चेक नहीं करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा काउंट किया जाता है 2014 से।
इसके चलते मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात करूंगा। उससे पहले आप लोग ये देखिए जो यहां पर तीन पॉइंट जो है वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, वो लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा दिए जाते हैं। तो यहां पर जो आप लोग एक पेपर है ना ईपीएफओ वाले, तो उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लेगा, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का पेपर आ रहा है आगे, उसके अंदर क्वेश्चन आप लोग के लिए बन सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसके बारे में। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको बोलते हैं एनएसओ। तो अलग से है यहां पर, ये अलग से पॉइंट आप लोग काउंट कर लेना इसको। एनएसओ जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, बेसिकली राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसको बोलते हैं। ये हमारी कंट्री में जब स्टार्टिंग में बनाया गया इसका नाम CSI था। मैंने नैनो मैगजीन में हालांकि पढ़ा दिया आप लोगों को, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। सेकंड में 1951 में बनाया गया, आगे चलकर इसका नाम चेंज करके CSO कर दिया, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन 1954 में। तीसरी बार इसका नाम चेंज करके ये CSO तो CSO ही रहा, पर लेकिन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर दिया ऑर्गेनाइजेशन का नाम हटाकर। फिर अब आगे चलकर क्या किया गया, अब यहां पर रिसेंटली जो किया गया 2019 में, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको याद रखिएगा। NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और यहां पर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल और जो CSO, इनको दोनों को मर्ज करकर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया गया है, जिसको NSO बोलते हैं। तो ये यहां पर प्रस्तुत करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो फोर्थ पोर्शन है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको आप लोग बोलते हैं CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, जो रूरल और अर्बन वाले एरिया में होता है। कंफ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फिर भी है तो बताना बैठा किसी लिए यहां पर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन को जो सांख्यिकी एंड कार्यालय कार्यान्वयन जो मंत्रालय भी आप लोग बोलते हैं, इसको बेसिकली एग्जिस्टेंस में कब आया, ये आया था 1999 यानी कि 1999 में। इसको कब कैसे बनाया गया था, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन को मर्ज कर ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री आई, जिसके अंडर में NSO आप लोग को देखने को मिलता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए पेपर में, ठीक है। तो ये बातें मैंने आप लोगों को सारी बता दी। अब राइटर से पूछ लेते हैं राइटर क्या बोलते हैं। राइटर यहां पर ये बोलते हैं कि यार होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 10 हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 6 हो गया। तो आज की डेट में ये सारी जो चीजें बढ़ रही है लास्ट 4 मंथ में, तो इनको कैसे काउंट किया जाए, जबकि RBI को तो यहां पर एक टारगेट दे रखा है कि 4 ± 2 आप लोगों को उसके ज्यादा जाना ही नहीं है। 4 ± 2 यानी कि जो इन्फ्लेशन हो सकता है, महंगाई हो सकती है, वो 4 ± 2 यानी कि 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में महंगाई होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पर लेकिन महंगाई काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो RBI क्या कर रहा है उसके बारे में बात करें। तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर रही है यहां पर, तो इसके चलते टाइम अगर देखिए आप लोग यहां पर, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों के पास में जॉब भी नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में गरीबी भी बढ़ रही है, और उस टाइम पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उस टाइम पर महंगाई बढ़ रही है कि 10 रुपए का चाय का कप जो है 15 मिल रहा है, लोगों के पास में सैलरी नहीं है, लोगों के पास में जॉब नहीं है, तो ये इन्फ्लेशन जो है काफी इंपैक्ट डाल रहा है। पर लेकिन क्या ये रियल इन्फ्लेशन है, अगर इसको हम लोग देखकर चले तो राइटर ये बोल रहे हैं रियल इन्फ्लेशन नहीं है। बेसिकली पहले आप लोगों ने देखा लॉकडाउन लग गया तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गया, क्योंकि डिमांड सप्लाई, डिमांड तो उतनी रही मार्केट में, पर लेकिन सप्लाई कट डाउन हो गई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। अनलॉक हुआ जैसे चीजें, फिर चीजें नॉर्मल होना स्टार्ट हो गई। तो अगर आप लोग कंपेयर करने लगेंगे 2021 में अप्रैल से लेकर जुलाई तक का, 2020 में यहां पर अप्रैल से जुलाई तक का, तो इसका मतलब बनता नहीं है कोई। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ और कंडीशन थी, आज के डेट में कुछ और कंडीशन है, तो दोनों को बेसिकली चेक करने का कोई मतलब नहीं है इस तरीके से। तो ऑफिशियल इन्फ्लेशन फिगर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है यहां पर जब निकल कर आती है, तो वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रही है फिलहाल टाइम पर लॉकडाउन और COVID-19 के चलते। तो इसलिए आप लोग इनको बेसिकली आपस में मर्ज कर मत चलिए, इनको आप लोग अलग अलग तरीके से ही देखिएगा, ये बात यहां पर बोली गई है इसके द्वारा। तो यहां पर अगर बात करूं छोटी सी आप लोगों से, जब हमारी कंट्री में महंगाई हो जाती है ना, तो अकेला RBI के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, यहां पर RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों मिलकर काम करते हैं। इसीलिए RBI की जो होती है, याद रखना RBI जो पॉलिसी बनाता है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पॉलिसी बोलते हैं हम लोग, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बन गई यहां से, ठीक है। पर लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करती है उनको हम लोग फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या होता है, जैसे टैक्स वगैरह चेंज कर दिया, इनकम टैक्स के स्लैब बढ़ा दी, वो कर दिया, स्पेंडिंग कहां कहां खर्च करना है, बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो ये सारी फिस्कल पॉलिसी की कैटेगरी में आती है। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आरबीआई का रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, क्रेडिट रेशो बढ़ गया, तो इनको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। जब दोनों को मिला देते हैं हम लोग आपस में, इसको बोलते हैं हम लोग गोल। इन गोल में क्या आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए देश की भाई, इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए भैया, सोशल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। तो फिर यहां से निकल कर आता है 2016 में 17 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से, 18 में भी हो सकता है, एग्जैक्टली डेट याद नहीं यूपीएससी की। उसने पूछा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को चेयर कौन करता है, जो ये बताती है कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है 4 ± 2 के बीच में होना चाहिए। तो चेयर करते हैं इसको हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, वहां पे पॉइंट में दिया गया था कि उसको फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं। तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर इसको चेयर करते हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल मिलाकर 6 मेंबर होते हैं, 3 तो RBI से आते हैं और 3 आते हैं यहां पर किससे, वो आते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। तो 3 RBI 3 गवर्नमेंट 6 मेंबर होंगे, तो इनके द्वारा डिसीजन यहां पर लिया जाएगा। अगर कोई मीटिंग लेनी है तो कोरम 4 का, यानी कि 4 मेंबर होंगे तो ही मीटिंग चलेगी, वरना मीटिंग आगे नहीं चलेगी, और RBI तभी वोट करेगा
यहां पर गवर्नर अगर टाई हो जाता है, टाई नहीं होगा तो वो वोट नहीं करेगा। मतलब क्या हो गया, क्यों वोट नहीं करेगा आप लोग समझिए। जैसे कि टोटल मिलाकर 6 मेंबर हैं, तो 6 मेंबर में से आरबीआई वोट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 मेंबर यहां पर अब वोट करेंगे। अब 5 में से कहीं पर भी हो सकता है एक एक साइड में रहे, बाकी के 4 एक साइड में आ जाए, 2 एक साइड में रहे, बाकी के 3 एक साइड में आ जाए, तो मेजोरिटी का डिसीजन लिया जा सकता है। पर लेकिन सोचिए 4 ही मेंबर हैं, एक मेंबर एब्सेंट है, तो यहां पर 2 बोले ये होगा काम, 2 बोले ये काम नहीं होगा, तो टाई हो गया। तो अब आरबीआई का गवर्नर जो है वो यहां पर बेसिकली वोट डालेगा, तो ऐसे यहां पर टाई हो जाती है तो वो वोट डालेगा। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी आरबीआई के बारे में। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो कुछ बातें याद रखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में फॉर्म किया गया था 1935 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों से यहां पर। उस टाइम पर जब हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बनाया गया उस टाइम पर 1935 में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के थ्रू बनाया गया था यहां पर, ये अंग्रेजों के द्वारा। तो याद रखना उस टाइम पर हमारी कंट्री में जो लॉर्ड विलिंगटन जो बेसिकली हमारी कंट्री में गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जो कि 1931 से लेकर यहां पर 1936 तक वो हमारी कंट्री में गवर्नर जनरल रहे, उस टाइम पर इनको वायसराय बोला जाता था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इसी टाइम पर आप लोगों को देखने को मिली, जिसमें आप लोगों को देखने को मिला यहां पर ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि यहां पर पर हुआ करती थी लंदन में हुआ करती थी। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, याद रखिएगा 3 में से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अकेली लौती कॉन्फ्रेंस थी जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, इसके अलावा उनके द्वारा किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग याद रखिएगा। ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो भी यहां पर 1936 में इसी गवर्नर जनरल के टाइम पर यहां पर बेसिकली क्रिएट की गई थी, जो यहां पर रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा अनाउंस किया गया था कॉम्युनल अवार्ड पूना पैक्ट में जाकर, जिसका सॉल्यूशन निकाला गया था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। तो महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इसका फिर सॉल्यूशन निकाला गया, 1932 में कॉम्युनल अवार्ड दिया गया था, यानी कि देश को और ज्यादा डिवाइड करने की कोशिश यहां पर की गई थी। तो लॉर्ड जो विलिंगटन है वो इस टाइम पर हमारी कंट्री के बेसिकली वायसराय हुआ करते थे। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। अगर आगे बात करते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज किया गया 1949 में, फर्स्ट जो हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, तो कोलकाता में था। फिर कोलकाता से आगे लेकर इसको कहां पर आ गए, मुंबई में, यानी कि 35 से 2 साल में समझ में आ गया कोलकाता में काम नहीं चलेगा, मुंबई लेकर चलते हैं, तो 2 साल के अंदर ही मुंबई पहुंच गए इसको लेकर। फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे यहां पर आरबीआई के, वो थे यहां पर सर ओसबोर्न स्मिथ, तो ये थे यहां पर पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को आरबीआई के बारे में बता दी। तो क्या क्या आप लोगों ने देख लिया यहां पर, इन्फ्लेशन देख लिया यहां पर, सीपीआई डब्ल्यूपीआई के बारे में बता दिया, यहां पर नेशनल स्टैटिकल ऑफिसर के बारे में बता दिया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बता दिया, आरबीआई के बारे में बता दिया। बाकी और डिटेल में अगर आप लोगों को समझना है सीपीआई डब्ल्यूपीआई के बारे में, जो कि काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, उसको जाकर देख लेना आर्टिकल के अंदर, मजा आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मैंने बेसिकली वीडियो खोलकर देखी थी मैंने कि क्या क्या डिस्कस किया है, तो ये कुछ मैंने डाल दिए यहां पर पीपीटी के अंदर, पर लेकिन रियलिटी में आप लोगों को वीडियो को देखेगा तो सुनने में भी मजा आएगा और टॉपिक कवर हो जाएगा। बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन यूपीएससी के अंदर कहीं पर भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत सारी आप लोग यहां पर कवर करा दी, तो अब कोई कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी बेसिकली जीएसटी के बारे में। जीएसटी का क्या हुआ, अभी यहां पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई यहां पर, ठीक है, तो जो जीएसटी काउंसिल की ये मीटिंग हुई, इसमें यहां पर ये बातें निकल कर आई कि कुछ दवाइयों के कुछ चीजों के प्राइस जो है वो चेंज कर देते हैं, तो उसी के चलते यहां पर ये न्यूज में आ गया था। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा यहां पर, ये जीएसटी काउंसिल की, अगर जीएसटी काउंसिल के बारे में आप लोगों से पूछा जाए कुछ, तो उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाए गए, कुछ के घटाए गए। ठीक है, जैसे कि जूते चप्पल अगर आप लोग खरीदोगे अब आप लोगों को महंगा मिलेगा। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो जीएसटी के अंदर नहीं आते, तो बोला गया कि वो जीएसटी के अंदर नहीं आते, आगे भी उसका लाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, डीजल पेट्रोल मिट्टी का तेल ग्लिसरीन जो कि क्रूड ऑयल से निकाले जाते हैं, वो आज के डेट में स्टेट जो है उसके कंट्रोल में रहते हैं, इसलिए अलग अलग राज्य में अलग अलग प्राइस आप लोगों को देखने को मिलते हैं जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसलिए यहां पर अभी बोला गया कि इसको इसके अंदर लाने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन यहां पर जो कंपनसेशन देने की बात की जाती है, तो यहां पर उसके चलते जो सेस यहां पर बुलाया गया, देखिए 2017 में यहां पर बेसिकली जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया, इसलिए जीएसटी डे जो है 2017 में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। डेट याद है आप लोगों को, बताइए, चलिए डेट क्या है, 1 जुलाई। ठीक है, तो जीएसटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। 2022 तक हम लोग क्या करेंगे कि जीएसटी की वजह से जो भी नुकसान हो रहा है राज्य को उसकी भरपाई करेंगे। ठीक है, तो ये बोला गया था। ठीक है, पर लेकिन आगे चलकर क्या गारंटी है इसकी, आगे चलकर जीएसटी की वजह से स्टेट को नुकसान नहीं होगा, तो वो कई सारी बातें, चलिए वो तो काम की नहीं है, इंपोर्टेंट कुछ बातें समझ लेते हैं। जीएसटी बिल लाया गया हमारी कंट्री में 122वां बेसिकली 2014 में, पर लेकिन जब अमेंडमेंट बना तो ये बना 101वां 2016 में, तो राज्यसभा के द्वारा भी पास कर दिया गया, आगे अप्रूवल मिल गया, तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जीएसटी हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया। यहां पर बेसिकली सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी बनाया गया। सेंट्रल जीएसटी के अंदर एक्साइज ड्यूटी या फिर सर्विस टैक्स कई सारे इंक्लूड हो गए, वैट वैल्यू एडेड टैक्स बोलते थे यहां पर इंक्लूड हो गए, और बाकी जो भी इंटर स्टेट जो टैक्स लगा करते थे इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंदर में आ गया। इनके 3 कैटेगरी में इसको
डिवाइड कर दिया। इंटीग्रेटेड जो जीएसटी है यहां पर ये बोला गया कि कोई टैक्स नहीं है, बस एक तरह का कोऑर्डिनेशन है सेंट्रल स्टेट के बीच में। आर्टिकल 246 यहां पर बेसिकली बात करता है टैक्स के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 246 के अंदर ए ऐड कर दिया गया यहां पर, जीएसटी काउंसिल भी बनाएगी। जी हां, यह आर्टिकल 200 यहां पर 246 है, यहां पर आर्टिकल 279 ए देखने को मिलेगा जिसके अंदर जीएसटी काउंसिल बनाएगी। और जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, बाकी के जो स्टेट के जो होते हैं वो मेंबर होते हैं यहां पर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों की जीएसटी काउंसिल के बारे में, ठीक है। तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहां पर है आप लोगों के सामने वो आईपीसीसी के बारे में बात कर रहा है। हालांकि इसके ऊपर मैंने अलग से लेक्चर बना रखा है, पर फिर भी ओवरव्यू दूंगा। ये लेक्चर इसलिए बता देता हूं, अगर डिटेल में और इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहां से जाकर आप लोग इनको देख लिया करो। हमारी कंट्री के बारे में ओनली बात नहीं कर रहा हूं, ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा हूं। जब वर्ल्ड के लीडर सारे आगे निकल कर आए, उनके द्वारा बोला गया कि यार ऐसा कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर 1.5 तक तो रहने वाला है नहीं है, ये बढ़ रहा है आने वाले टाइम में, तो इसको कैसे काउंट करना है। क्योंकि जब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था तो बोला गया था कि 1.5 पर रखेंगे, वरना अगर बढ़ेगा तो दिक्कत देखने को मिलेगी, बहुत सारी दिक्कतें निकल कर आएंगी। तो ये कंट्री सारी इकट्ठी होगी, इन्होंने ऐसी कुछ बातें करनी स्टार्ट कर दी। तो इसी के ध्यान में रखते हुए यहां पर आईपीसीसी की रिपोर्ट निकल कर आती है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। इसके द्वारा टोटल मिलाकर 6 रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत की जा चुकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखना यह क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से। 2007 में इसको नोबेल प्राइज मिल चुका है, नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। अभी यहां पर 6 रिपोर्ट है इसकी। पहली रिपोर्ट 1990 में आई, दूसरी सब्सिडरी थी इसकी सप्लीमेंट्री वो 1992 में आई, सेकंड रिपोर्ट 1995 में आई, थर्ड रिपोर्ट 2001 में, फोर्थ रिपोर्ट 2007 में, फिफ्थ रिपोर्ट 2014 में, और सिक्स्थ रिपोर्ट 2020 में आनी थी, पर लेकिन अभी इसका एक पार्ट प्रस्तुत कर दिया गया है। जी हाँ, एक पार्ट इसका प्रस्तुत कर दिया गया, वर्किंग ग्रुप फर्स्ट, जो कि डील करती है साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये प्रस्तुत क्यों किया गया? ये इसलिए प्रस्तुत किया गया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से। वो क्या है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP26 होने वाली है यहां पर, 26वीं, कहां पर होने वाली है? ग्लासगोव। ये कहां पर होगी? ग्लासगोव कहां पर है? यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, यूके के अंदर, तो यहां पर होगी। तो इसके चलते बोला गया कि उसकी मीटिंग से पहले कुछ बता देते हैं इनको थोड़ा सा, ताकि बैठकर डिस्कस तो कर ले वहां पर, वरना ये बोलेंगे हमको तो पता ही नहीं था। बाकी दो रिपोर्ट जो बच गई यहां पर कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या क्या चीजें होने वाली है क्लाइमेट जो कमबैक किया गया करना आप लोगों को, ये दो रिपोर्ट 2022 में प्रस्तुत की जाएगी। तो टोटल मिलाकर 3 पार्ट है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के, तो याद रखना। बाकी कई सारी स्पेशल रिपोर्ट भी इनके द्वारा टाइम टू टाइम प्रस्तुत की जा चुकी है। तो यहां पर इसको जो नोबेल प्राइज मिला था, ये 45th जो वाइस प्रेसिडेंट थे इनके साथ मिलकर इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1993 से लेकर 2001 तक का, यूनाइटेड स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट रहे। तो इनको काफी ज्यादा वर्क इनके द्वारा किया गया था इस पर्टिकुलर मुद्दे पर। आईपीसीसी के बारे में बता करें तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, तो 6ठी असेसमेंट रिपोर्ट यहां पर, इसका फर्स्ट पोर्शन आया अभी, फिजिकल जो बेसिकली फिजिकल साइंस बेसिस ये बात की गई, रिलीज की जानी है 2022 में। नेट जीरो एमिशन की बात कर रहे हैं, 1.5 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है नवंबर के महीने में, तो नवंबर की तैयारी चल रही है। क्या क्या चीजें यहां पर इंपैक्ट डालेंगी? एवरेज सरफेस टेम्परेचर को कंट्रोल करना है ये बोला गया है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करना है, सी लेवल बढ़ रहा है भाई साहब, कहीं सूखा तो कहीं बारिश काफी ज्यादा है, हीट एक्सट्रीम हो रही है, और इसी के साथ में यहां पर स्नो पिघल रहे हैं, मेल्टिंग ग्लेशियर हो रहे हैं, वो सारी चीजें। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी फाइंडिंग दी गई अलग से, और नेट जीरो एमिशन की तो बात की ही गई। तो कई सारे ऐसे मुद्दे इनके द्वारा डिस्कस किए गए हैं। बाकी और थोड़ा सा डिटेल में अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे तो ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो दो वीडियो मैंने आज आप लोगों को बता दी, एक तो सीपीआई डब्ल्यूपीआई के बारे में और एक आईपीसीसी के बारे में। इनको जाकर देख लेना, सर्च कर लेना आईपीसीसी भाई वीर, तो भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी अगर बोलोगे तो वीडियो के नीचे भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर टेलीग्राम पर भी, ठीक है। पर लेकिन सर्च भी कर लोगे नॉर्मल जाके तो भी आप लोगों को ये वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो देख लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर क्वेश्चन बने तो माइंड में क्लैरिटी लेकर आप लोगों को चलना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई यहां पर इसके बारे में, आइए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। यहां पर बात करते हैं प्रीलिम्स फोकस डिस्कशन के बारे में, कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी, एक एक कर यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है कोविशील्ड की जो दवाई है, ये बोला जा रहा है यूके के द्वारा कि वो तो सही है, पर लेकिन इसके लिए जो सर्टिफिकेट इंडिया के अंदर लोगों को दिया जा रहा है वो हम लोग नहीं मानेंगे। यानी कि हमारी कंट्री में जो कोविशील्ड सबको ये दवाई दी गई है, आप लोगों ने कौन सी का डोज लिया, कोविशील्ड का लिया फिर कोवैक्सीन का लिया, बताइए, चलिए बताइए कौन कौन सा डोज लिया आप लोगों ने, ठीक है। देखता हूं कौन कौन सा डोज आप लोग लेकर आए, कोविशील्ड का लिया फिर कोवैक्सीन का लिया। तो यहां पर इसके बारे में बात की तो इंडिया ये बोले डिस्क्रिमिनेटरी है, अगर ऐसा चलता रहा तो हम भी कुछ ऐसा स्टेप उठा सकते हैं, फिर आप लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ जाएगी। तो इंडिया और यूके के बीच में इसको लेकर तनातनी हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इंडिया से यूके और यूके से इंडिया रहे, तो उनके बारे में कैसे बात करेंगे। अगर बात करें आगे, बोला जा रहा है कि 50,000 के करीब हर एक इंसान को दिया जाएगा जो कि कोविड-19 की वजह से डेथ हुई है। और यहां पर ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है, यहां पर स्टेट डिजास्टर जो
रेस्पॉन्स फोर्स है। तो याद रखेगा सेंट्रल लेवल पर एनडीएम में आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि बनाया गया था यहां पर कब 2005 में, और स्टेट लेवल पर एसडीआरएफ यानी कि स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब यहां पर भी अगर आगे बढ़ेंगे आप लोग यहां पर, तो जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसका जो हेड रहता है वो डीएम रहता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहता है, वो यहां पर पैसा जो है वो ट्रांसफर करवाएगा। ये जो पैसा यहां पर ट्रांसफर किया जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो भी पर्टिकुलर पर्सन जो है वो क्लेम करेगा उसके क्लेम होने के बाद में, और ये ट्रांसफर उसी को किया जाएगा जिसका आधार कार्ड के साथ में लिंक कनेक्ट बैंक अकाउंट है, उसको यहां पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो घर में या फिर आसपास में किसी की डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से, तो याद रखना उसको ये हेल्प कर सकते हैं, उसके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कि 50,000 रुपए फॉर ईच कोविड-19 डेथ के लिए यहां पर दिए जाएंगे। अब देखते हैं कब तक ये यहां पर प्रोवाइड कराते हैं, पर लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है वो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स को दी गई है, उसमें जो फंड है उसके हिसाब से यहां पर चीजें यूज की जाएंगी। तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल कर आया, WHO के द्वारा टाइट कर दी गई है क्वालिटी ऑफ एयर, यानी कि एयर क्वालिटी के जो नॉर्म्स थे उसको टाइट कर दिए गए हैं। पहले बोला गया था यहां पर अगर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के बारे में बात करें तो 10 था, इसको अभी अपडेट करके 5 कर दिया गया, 5 होना चाहिए। अगर बात करें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 से लेके यहां पर, ठीक है, 24 आवर के बीच में मीन 25 था, इसको 15 कर दिया गया। PMO 10 का यहां पर 20 था, इसको 15 कर दिया गया। PMO 24 जो 10 का 24 आवर के अंदर 50 था, इसको 45 कर दिया गया। पर लेकिन हमारी कंट्री के अंदर अगर आप लोग बात करिए, हमारी कंट्री के अंदर बोलते हैं यहां पर NAAQS, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेशनल एंबिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। इसका स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है, वो कुछ और ही है, यानी कि हमारी कंट्री में काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है अगर इसको चेक करिए। इसलिए हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर जो सिटी है वो पोल्यूटेड पाई जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी अप टू द मार्क नहीं है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 7 अप्रैल 1948 में बनाई गई थी, इसलिए 7 अप्रैल को आप लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी यहां पर बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह बन जाएगा कि वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो याद रखना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अब यहां पर हमारी कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहां पर, क्योंकि ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का ये पार्ट है, और हमारी कंट्री के अंदर भी आप लोग इसका जब बात करेंगे, जो इंडिया के अंदर जब साउथ ईस्ट एशिया का इसका रीजन के बात करेंगे, तो इंडिया के अंदर इसका बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। अफ्रीका के अंदर यहां पर कोंगो के अंदर देखने को मिलेगा, यूरोप के अंदर डेनमार्क के अंदर, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में इजिप्ट के अंदर में, वेस्टर्न पैसिफिक में फिलीपीन के अंदर में, और अमेरिका के अंदर आप लोगों को यहां पर वॉशिंगटन डीसी के अंदर बेसिकली देखने को मिलेगा। यानी कि ये वो एरिया है जो कि आप लोगों को याद रखने हैं, हमारी कंट्री के अंदर भी है इसका, दिल्ली के अंदर में, जो इसका एक पर्टिकुलर रीजन में हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन WTO के बारे में होगी, कंफ्यूज मत होना। वैसे जनेवा में इसका मेन हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। WTO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आज हेड कौन है आज के में, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है ये नीट के बारे में आ रही है, और ये बोला गया कि नीट के अंदर फ्रॉड देखने को मिला है। 50 लाख रुपए ऑफर किए गए किसी पर्टिकुलर प्रोक्सी कैंडिडेट को रिटर्न एग्जाम देने के लिए, यानी कि जैसे UPSC में आप लोग बोलो कि भाई साहब मेरा पेपर दे दो जाकर, मैं तुमको 50 लाख रुपए दूंगा, और वो इंसान आपका पेपर देने चला जाता है। तो इस तरीके से कोचिंग सेंटर ने यहां पर ये बैठे हुए माफिया इनके द्वारा ये हरकतें की गई, तो CBI के द्वारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई। अब देखते हैं कौन पकड़ा जाता है। 50 लाख रुपए बहुत छोटी बात होती है यहां पर, क्योंकि जब डॉक्टर बन जाता है किसी ठीक ठाक जगह पर, आगे चलकर अपना हॉस्पिटल बनाने लगे इंसान, तो उसके लिए ये मुन्ना भाई MBBS टाइप के डॉक्टर बन जाते हैं फिर, ठीक है। किसी की जान जा रही है, क्या हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं इनको है। नीट क्या है बेसिकली, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट इसको बोलते हैं। ऑल इंडिया जो प्री मेडिकल टेस्ट यहां पर देखने को मिलता है ऑल इंडिया लेवल पर, MBBS ये BDS या फिर आयुष के अंदर जो सीट भरी जाती है वहीं से भरी जाती है। टेस्ट कौन कंडक्ट कराता है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यहां पर इसका टेस्ट कंडक्ट कराती है, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जो है बेसिकली यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि पहले यहां पर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, अब यहां पर इसको नीट में यहां पर इसको बेसिकली रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर बात करें इसी के अंदर, अब यहां पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन भी इसी के अंदर आते हैं, पहले अलग से अपना एग्जाम कंडक्ट कराते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। बाकी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इस टाइम से यहां पर एग्जाम नहीं हो रही, ये सारी बातें। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो यहां पर बेसिकली जो बनाई गई है इंडियन गवर्नमेंटल एक एजेंसी है, जो कि अप्रूव की जाती है यहां पर यूनियन काउंसिल मिनिस्ट्री के द्वारा 2017 में, और यहां पर विनीत जोशी जो है इसके फर्स्ट डायरेक्टर हैं। ये सारे एग्जाम जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस JEE का यही कंडक्ट कराती है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट नेट जो UGC है वही कंडक्ट कराती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यही कराती है, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट यही कराती है, और ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट यही कराती है। एजुकेशन के बारे में याद रखिएगा, जब एजुकेशन की हम लोग बात करते हैं तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है संविधान के अंदर में, 3 लिस्ट है,
संविधान के अंदर सातवें शेड्यूल में तीन लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्केंट लिस्ट। तो कॉन्केंट लिस्ट के अंदर में आता है, पहले स्टेट लिस्ट के अंदर में आता था, पर लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1976 में, इसको स्टेट लिस्ट में से हटा के कॉन्केंट लिस्ट में डाल दिया गया है। अब इससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो पॉसिबल नहीं है, इतनी सारी चीजें बता दी, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। ओके, आगे चलते हैं, यहां पर बेसिकली बात करेंगे। अभी यहां पर जो बात की जा रही है WTO के बारे में, आप लोगों से बात की, हमारी कंट्री के अंदर कुछ बातें जैसे सफर के बारे में मैंने बात की थी, ठीक है, तो यहां पर सफर क्या बात करता है, बेसिकली बात करता है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। ये हमारी कंट्री में कैसे एनवायरमेंट को चेक करना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। इसी के साथ में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी है हमारी कंट्री में। एयर क्वालिटी इंडेक्स में यहां पर क्या क्या कैटेगरी रहती है कि गुड है, सेटिस्फैक्टरी है, मॉडरेट है, पोल्यूशन को चेक करता है, तो इसके अंदर बेसिकली सीवियर है, वेरी सीवियर है, ये सारी चीजें। तो क्या क्या आता है, 8 टोटल मिलाकर पोल्यूटेंट है, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, NO2, SO2, CO3, NH3 और PB, ये बेसिकली यहां पर चेक किए जाते हैं। तो नेशनल एंबिएंट एयर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है, ये वही है जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों से बात की कि यहां पर इसके अंदर क्या-क्या चेक किया जाता है, ठीक है, तो यहां पर यही वाला है जिसके अंदर ये टोटल 8 प्रोडक्ट चेक किए जाते हैं, तो ये याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहां पर वर्ल्ड राइनोज डे में बोला गया, यहां पर 2500 जो हॉर्न थे ये एसिस बन गए, यानी कि राग बन गए, कहां पर, आसाम के अंदर में, यहां पर एक रिचुअल आप लोगों को देखने को मिलती है। तो वर्ल्ड राइनोज डे के बारे में क्वेश्चन पूछा सकता है, वैसे याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क यहां पर एक सींग के जो गैंडे होते हैं उनके लिए फेमस है आसाम के अंदर में, तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, आसाम के अंदर में है। अभी यहां पर राइनोज के बारे में बात की जा रही है, तो ये मैंने 22 सितंबर की नैनो मैगजीन में आप लोगों से डे डिस्कस किया था, उसमें इंपॉर्टेंट डे में डिस्कस करता हूं हमेशा, तो आप लोग उसको भी फॉलो करते रहिए ताकि कोई चीजें ना छूटे। बाकी बता देता हूं यहां पर थोड़ा सा, क्योंकि अभी न्यूज में आ गया यहां पर भी, तो 22 सितंबर को आप लोगों को देखने को मिलेगा, थीम क्या थी, 5 राइनोज स्पीशीज फॉरएवर, ऑल ओवर वर्ल्ड में 5 राइनोज की स्पीशीज है यहां पर, जैसे सुमित्रन राइनोज हो गया, ब्लैक राइनो हो गया, ठीक है, इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है क्रिएटर 1 हॉर्न राइनोज हो गया, व्हाइट राइनोज हो गया और जावियन, इनके जो यहां पर देखने को मिलता है ये वाला राइनोज, तो टोटल मिलाकर 5 है, तो 5 को बोला जा रहा है कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है यहां पर, ये था पद्मानभ, ये ट्रस्ट प्ली, इसके द्वारा क्या बोला गया था कि लास्ट 25 साल में क्या क्या पैसा, क्या क्या, कितने सारा इसका अकाउंट है, उसको चेक करने की बात की गई थी, तो इन्होंने बोला इसको चेक मत करने दीजिए, उसके ऊपर रोक लगा दो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला रोक नहीं लगाएंगे। अगर संविधान के बारे में पूछा जाए आप लोगों से, पार्ट 3 के अंदर जाएंगे आप लोग, संविधान के अंदर में फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, राइट टू रिलीजन के बारे में आर्टिकल में बात करें तो आर्टिकल 25 आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लगा कि बता दूं तो याद रखना। बाकी टेररिज्म के बारे में बात करें तो बोला गया टेररिज्म नोज नो एज, यानी कि वो किसी को नहीं बचा सकते हैं, सबको लेते हैं अपने अपने लपेट में, तो यंग बॉय भी टेररिस्ट एक तरीके से देख सकते हैं, कंडीशन फैला सकते हैं, तो NIA के द्वारा यहां पर कुछ बातें बोली गई है, तो ये तो आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा NIA क्या स्टेटमेंट दे रही है, पर ये पूछ लेंगे NIA के बारे में, तो ये सेकंड पेपर के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है। हमारी कंट्री में NIA एक्ट था 2008 में लाया गया, तो सेंट्रल एक एजेंसी बनाएगी कि हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी को कोई हर्ट कर रहा है, इंटीग्रिटी को कोई हर्ट कर रहा है, स्टेट सिक्योरिटी को कोई हर्ट कर रहा है, फ्रेंडली रिलेशन के साथ हमारे रिलेशन को कोई दिक्कत पहुंचा रहा है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं NIA इसको सुधारने, यानी कि टेरर को कंबैक करने के लिए, टेरर के साथ में लड़ाई करने के लिए पूछे कोई ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हमारे देश में, तो वो है NIS के बारे में आप लोग याद रखना, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन के यहां पर काउंटर, सेंट्रल काउंटर टेररिज्म ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, बाकी हैदराबाद, गुवाहाटी, यहां भी आप लोगों को इसके रीजनल ऑफिस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी। रविशंकर जो है, RN रवि जो है, वो नए तमिलनाडु के गवर्नर बने, पहले ये नागालैंड के इंटरलोक्यूटर हुआ करते थे, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बोला ये गया है एक इंपॉर्टेंट न्यूज में कि NDA का पेपर जो है नवंबर में होने वाला है, उसी में क्यों नहीं आप लोग महिलाओं को यहां पर बेसिकली पेपर देने के लिए अलाउ करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि 2022 से यहां पर महिलाओं को अलाउ किया जाएगा, तो इसके चलते यहां पर ये कंट्रोवर्सी अभी देखने को मिल रही है, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। स्पुतनिक 5 दवाई जो है वो भी हमारी कंट्री में आ गई है अभी आने वाले टाइम में, इसको भी यहां पर क्लियर कर दिया गया, तो अभी स्पुतनिक 5 भी COVID-19 कोविशील्ड के साथ में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। आगे बोला गया कि इंडिया जो है वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली LIC में उसको रोक सकता है, क्योंकि इसके चलते हमें दिक्कत देखने को मिलेगी, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट हट सकता है, ठीक है। बाकी USA के द्वारा बोला गया कि 500 के करीब मिलियन जो फाइजर ये डोज है वो पुअर कंट्री को ये देंगे, तो इससे कई सारी कंट्री को यहां पर फायदा देखने को मिलेगा, तो इसको लेकर कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं आना है। काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, काफी बड़ा यहां पर ये लेक्चर हो चुका है, चलिए अब थोड़ा सा इसको विराम देते हैं, जो भी पॉइंट बचे होंगे उनको फिर आगे कवर कर लेंगे, तो टेंशन मत लेना। पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने बात की बेसिकली, ये हम लोगों ने बात की इसके बारे में, तो इंपॉर्टेंट था यहां पर ये इन्फॉर्मेशन याद रखना। वैक्सीन डिप्लोमेसी वाला आर्टिकल अभी टाइम नहीं मिला तो आगे देख लेंगे, टेंशन मत लेना, उसके अंदर वैक्सीन डिप्लोमेसी कवर करूंगा और गावी वैक्सीन अलायंस के बारे में कवर करूंगा जब भी टाइम मिलेगा, ठीक है, तो इसको कंफ्यूज मत होना आप लोग। क्वाड के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया, तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना। इन्फ्लेशन के बारे में, शाम दाम दंड भेद, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता
बता दी। तो कोई कंफ्यूजन, इन्फ्लेशन या फिर नेशनल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर आरबीआई या कोई भी हो तो याद रखना कुछ नहीं होना चाहिए। अभी ये जाकर वीडियो आप लोग देख लेना, कंफ्यूजन और दूर हो जाएंगे कौन कौन से ये चीजें होती है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में कई सारी चीजें मैंने आप लोग को बता दी, तो कुछ नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए कहां कहां पर कौन से हाईकोर्ट है और क्या क्या चीजें, कौन कौन से जज क्या क्या अपॉइंटमेंट किए जा रहे, सारी बातें डिटेल में आप लोगों को समझा दी। आईपीसीसी के बारे में हम लोगों ने रिपोर्ट के बारे में कुछ बातें समझी, क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और कौन कौन सी रिपोर्ट है वो हम लोगों ने समझी। जीएसटी काउंसिल के अंदर हम लोगों ने जीएसटी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी। इसी के साथ में कोविशील्ड के बारे में क्या किया जा रहा है वो देखा हम लोगों ने। बेसिकली यहां पर बोला जा रहा है क्या डेथ के बाद में पैसा दिया जाएगा वो समझा। नीट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने समझी, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डब्ल्यूएचओ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन समझी और इसी के साथ में हमारी कंट्री में क्या क्या प्रोविजन है वो समझे। इसी के साथ में वन होन राइनोज और डे के बारे में हम लोगों ने जाना, ये याद रखना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या रिजेक्ट किया गया वो समझा हम लोगों ने। एनआईए के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें जानी जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, याद रखना। एक पर्सन स्पेसिफिक न्यूज थी यहां पर और ये बेसिकली एनडीए के एग्जाम के बारे में बात की गई। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की बेसिकली स्पुतनिक 5 के बारे में और ये था आप लोगों का फाइजर डोनेशन के बारे में। क्या सर आज डिस्कशन, इसको आप लोग रेट जरूर कीजिएगा, कितना रेट देंगे इस लेक्चर को आप लोग, ठीक है 10 में से। लाइक और डिसलाइक भी आप लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा आप लोगों को लगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।